हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। एक बार जल्दी से बताओ बेटा, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हाँ जल्दी से बताइए बेटा, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस और नो? टाइम बहुत कम है अपने पास। हाँ या ना का जवाब दो भाई जल्दी से। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है बेटा? देखो भाई, बात ऐसी है कि आज अपने पास टाइम बहुत कम है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जब हम लोग एल्कोहल मतलब इसका क्या नाम हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा जी, ठीक है, तो हम एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि भाई आपको रिएक्टेंट दिया होगा और प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया होगा। अब उन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक बात समझना है हमें कि अगर मेरे पास ये काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, अगर दो सेम ग्रुप यानी जैसे मैंने यहां पर लिखा कि दो गधे अगर बेटा जी एक साइड है, ठीक है, यानी दो ग्रुप अगर सेम साइड होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रो। और सेम टू सेम अगर बेटा जी दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे एक दूसरे के और उनका मॉलिक्यूलर मास अगर सेम होगा तो इसको क्या कहेंगे बेटा जी? हम थ्रियो। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई कि भाई एरिथ्रो किसको कहते हैं और थ्रियो किसको कहते हैं? केमिस्ट्री के अंदर यदि दो ग्रुप सेम साइड हुए मतलब बिल्कुल सेम टू सेम साइड हुए तो उनको कहेंगे हम क्या? एरिथ्रो। अपोजिट साइड हुए तो क्या होंगे बेटा जी? एरिथ्रो, ठीक है, सॉरी थ्रियो। अब जरा देखो भाई आगे, यहां पर एक कैट रूल समझना है तुम्हें। कैट रूल क्या होता है कि मान लो अगर हम एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एल्कीन से और वो एल्कीन सिस है, क्या बोला मैंने? वो एल्कीन सिस है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर एल्कीन सिस होती है, सी का मतलब सिस, ए का मतलब है यदि उसका मैकेनिज्म एंटी है, एंटी का मतलब अपोजिट साइड से है बेटा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? थ्रियो बनेगा। क्या बनेगा वो प्रोडक्ट? थ्रियो बनेगा। ये बात समझना है। कैट रूल क्या समझाता है हमें कि अगर हमारे पास एल्कीन सिस है, एडिशन एंटी है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? थ्रियो। अपनी एक बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर इन दोनों में मैं कभी भी कोई चेंज इवन नंबर में करता हूं, क्या बोला मैंने? अगर इन दोनों में मैंने दोनों को मिलाकर कोई चेंज इवन नंबर में किया तो प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो प्रोडक्ट हम सोच रहे थे वही बनता है, राइट। और यदि मैं इनमें ओड नंबर में चेंज करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास एल्कीन ट्रांस है लेकिन मैंने मैकेनिज्म एंटी ही रखा तो मैंने एक ही चेंज किया ना, दोनों तो चेंज नहीं किए। अब वन क्या होता है? ओड नंबर। ओड नंबर अगर आ जाएगा तो इस प्रोडक्ट को चेंज कर देना, वो क्या बन जाएगा? एरिथ्रो बन जाएगा। सेम टू सेम अब इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, यदि मैंने एल्कीन को सिस से ट्रांस कर दिया, ठीक है, सिस से ट्रांस कर दिया और एडिशन मैकेनिज्म को एंटी से सिन कर दिया बेटा, तो देखो एक चेंज मैंने इसके रेस्पेक्ट में किया और एक चेंज मैंने इसके रेस्पेक्ट में चेंज किया, तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया हमारे पास? टू चेंज हो गए। और टू क्या नंबर होता है? इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर में चेंज करूंगा तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी पहले अगर वो थ्रियो था अभी भी वो क्या रह जाएगा? थ्रियो रह जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी बेटा, यस और नो? सिन का मतलब होता है जब एडिशन दोनों एक साइड से ही होते हैं। अब जरा थोड़ा समझते हैं भाई आगे। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है हमारे सामने और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ये रिएक्शन सभी ने पढ़ी है कि हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का, और एडिशन करते हैं बेटा हाइड्रोजन। जैसे ही मैं हाइड्रोजन यहां पर जोड़ूंगा तो आप लोगों को पता है कि ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट होता है और यहां पर क्या बन जाएगी हमारे पास? एल्केन। सेम टू सेम अगर मेरे पास कोई एल्कीन पहले से ही क्या दे रखी होगी बेटा जी? सिस। क्या दे रखी है? सिस। हमें पता है कि निकल प्लेटिनम और पैलेडियम क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और मेटल के ऊपर जब एडिशन करते हैं ना यहां पर हाइड्रोजन का, तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, आपने एडसॉर्प्शन पढ़ा होगा बेटा। एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि किसी सॉलिड सरफेस पर गैस आकर चिपक जाती है, तो होता क्या कि मान लो ये सॉलिड सरफेस है हमारे पास, यहां पर मान लो हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है, ठीक है, और ऊपर है कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल है, जब इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं तो वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ते हैं, और जब बेटा जुड़ने वाली स्पीसीज एक ही साइड से जुड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिन एडिशन कहते हैं, ठीक है। एंटी का मतलब अपोजिट और सेम साइड का मतलब क्या हो गया? सिन। तो मैंने यहां पर जो एडिशन किया वो कैसा होगा बेटा जी? सिन होगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, जब आपके पास कैटलिस्ट मेटल होगा या मेटल का सरफेस होगा, एडिशन हमेशा क्या होगा? सिन होगा। तो देखो सिस है, सिन है, कैट रूल के हिसाब से देखो बेटा।
अगर मैं कैट लिखता हूं सीएटी, अगर आपके पास एल्कीन सिस है, एडिशन आप क्या कर रहे हो, एडिशन आपने सिन किया, तो देखो एक चेंज कर दिया ना हमने, एक हमने चेंज कर दिया यहां पर एंटी से क्या कर दिया सिन, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा एरिथ्रो। और एरिथ्रो के बारे में मैंने क्या समझाया था कि दोनों के दोनों एडिशन होने वाले ग्रुप एक ही साइड लगने चाहिए, एक ही साइड होने चाहिए बेटा। अब जरा यहां पर देखो, अगर मेरे पास ए और बी दो अलग अलग प्रोडक्ट है तो मुझे बताओ ए और बी में से कौन सा बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा, जल्दी से आंसर दो बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, ए और बी दोनों में से कौन बनेगा अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो। एल्कीन हमारे पास सिस है, एडिशन सिन कर रहे हैं, तो कैट रूल के हिसाब से एल्कीन हमने सेम टू सेम रखी, सिर्फ मैकेनिज्म को चेंज कर दिया, एंटी जगह पर सिन लेकर आए तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक चेंज करने का मतलब है और नंबर में चेंज आना, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास एरिथ्रो, वेरी गुड। तो यहां पर बना हमारे पास ए, समझ में आई बात आपको, ऐसे क्वेश्चन आईटी जेई में आ सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो बेटा दूसरी वाली रिएक्शन में, यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो एल्कीन है वो कैसी है बेटा जी, ट्रांस है, कैसी है वो ट्रांस है। आप जब ड्यूटेरियम जोड़ोगे, मतलब हाइड्रोजन की जगह पर मैंने आइसोटोप ले लिया है ड्यूटेरियम, तो जैसे ही मैं डी टू इसके अंदर जोड़ूंगा तो भाई आपको पता है कि जब मेटल ले रहा हूं तो एडिशन तो सिन ही होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, कैट रूल के हिसाब से आपने सिस से क्या कर दिया, इसको बना दिया ट्रांस, एडिशन क्या है सिन, यानी दोनों चेंज किए, आपने एल्कीन को भी चेंज किया, मैकेनिज्म को भी चेंज किया, तो दो चेंज करने का मतलब है इवन चेंज किया, और इवन चेंज करने पर प्रोडक्ट जो होता है वो वही का वही रहेगा। टी का मतलब क्या है, त्यागी नहीं है, थ्री ओ है, समझ में आई बात। तो बेटा यहां पर थ्री ओ है, और थ्री ओ का मतलब क्या होता है कि जुड़ने वाले दो डी जो होंगे वो अपोजिट साइड जुड़ेंगे। तो जरा देखो बेटा यहां पर दोनों डी अपोजिट साइड है कि नहीं है, तो बताओ इस रिएक्शन में ए बनेगा या बी बनेगा, लास्ट वाली रिएक्शन में बताओ ए बनेगा या बी बनेगा। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ चुकी है कि सर यहां पर बी बनेगा, ठीक है, यही मुझे आपको समझाना भी था। अब जरा देखो बेटा नोट पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि दी गई चार रिएक्शन में से कौन सी सेबेकर सेंडरसन रिएक्शन है, या फिर यह रिएक्शन आपको दे रखी होगी, या रिएक्शन आपको दे रखी होगी, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, किस रिएक्शन को कहते हैं डाउस प्रोसेस, सेबेकर सेंडरसन रिएक्शन, या कुछ भी ऐसे नाम दे रखे, कार्बिल एमीन रिएक्शन एटसेट्रा। ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एल्कीन है और एल्कीन का हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, प्लेटिनम और पैलेडियम नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इस रिएक्शन को हम सेबेकर सेंडरसन रिएक्शन कहते हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब बात करेंगे बेटा ये हम तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन। देखो मैकेनिज्म के ऊपर जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैकेनिज्म के ऊपर जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मान लो ये तुम्हारे पास एल्कीन है और हम लोग जानते हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। आपको याद होगा एक छोटी सी बात, एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद होगी, जिसमें एंटी मार्कोनिकोव मैनर से क्या बनता था, एल्कोहल बनता था। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, अब प्लीज कोशिश करिएगा, जब कभी भी हम इससे एल्केन बनाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसका रिएजेंट देखने पर बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेकिन प्लीज समझिएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है वो क्या होता है, B2H6 in THF, B2H6 in THF, और दूसरे स्टेप में होता है H2O2 in बेसिक मीडियम, लेकिन यहां से उल्टा दिया है। यहां पर अगर हमें एसिड दे रखा है इसका मतलब क्या है कि H+ दे रखा है, ना कि OH-। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन नहीं करते, रिडक्शन करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो कम नंबर वाले हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास पहले से ही कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, वहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो जुड़ता है बेटा जी B2H6 से, याद रखनी है बात, B2H6 से। और जो राइट हैंड साइड यानी ज्यादा नंबर वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा एडिशनल, वो आता है हमारे पास CH3COOH से। प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बेटा जी, क्वेश्चन करने। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास ये एल्कीन दे रखी है, इस वाले कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन, इसको मैंने बीटा कहा। यहां पर देखो जरा, पहले स्टेप में मैंने क्या लिया, B2D6 in THF, और यहां पर CH3COOH। मुझे ये बताओ, मुझे डी जोड़ना है, डी क्या जोड़ना है, मुझे डी जोड़ना है ड्यूटेरियम, तो बताओ अल्फा पे जुड़ेगा या बीटा पे जुड़ेगा, जल्दी से आंसर दो बेटा, अल्फा पे जुड़ेगा या बीटा पे जुड़ेगा।
जल्दी बोलो बेटा जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। अल्फा पे जुड़ेगा या बीटा पे जुड़ेगा? अगर मुझे डी जोड़ना हो इस वाले रिएक्शन में, रिएजेंट को देखो जल्दी से, रिएजेंट को बी टू डी सिक्स और सी एच थ्री सी ओ एच। डायरेक्ट ट्रिक बताई थी मैंने, एक बार फिर से देख लो कि भाई बीच वाले कार्बन यानी जिस पर पहले से हाइड्रोजन कम है ना, वहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो कहां पर आती, किससे आता है? बी टू एच सिक्स से, राइट। तो बिल्कुल सही बात है कि बीटा वाले पर ड्यूटीरियम जोड़ दो सर। तो जैसे ही मैं यहां पर ड्यूटीरियम जोड़ दूंगा तो यहां पर डी जुड़ जाएगा। इस वाले एसिड के पास जो एच प्लस है, ठीक है, वो क्या होगा बेटा हमारे पास एच यहां पर जुड़ जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सेम टू सेम अब देखो बेटा नीचे की तरफ सी एच थ्री, यहां पर ये आपके पास एल्कीन है, इसके अंदर अल्फा और बीटा दो कार्बन है, रिएजेंट दे रखा है बी टू एच सिक्स इन टी एच एफ और सी एच थ्री सी ओ ओ डी, ड्यूटीरियम यहां पर दे रखा है। जल्दी से बताइए इस बार ड्यूटीरियम कहां पर जुड़ेगा, इस बार ड्यूटीरियम कहां पर जुड़ेगा, ड्यूटीरियम कहां पर जुड़ेगा? सेकंड वाले में बताना है बेटा, सेकंड वाले में ड्यूटीरियम बताना कहां जुड़ेगा। बहुत सही बात है कि भाई दूसरे वाले में जुड़ेगा सर अल्फा पे, यहां पर डी जोड़ दीजिए और यहां पर जाएगा एच। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई होप आप लोगों का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं भाई आगे, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हमारे पास नया मेथड है, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा भाई। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब हमारे पास दो नेम रिएक्शन आ रही है जिनका नाम है सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन को पहचानने के लिए जैसे कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी हो, ए गिव्स बी, ठीक है, तो यहां पर रिएजेंट जरूर दे रखा होगा, उस रिएजेंट का नाम है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब है जिंक को मरकरी के साथ अलॉय बनाया हुआ है। जिंक अमलगम इन प्रेजेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका काम क्या होता है जरा देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोनिल को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये जो आपके पास CO ग्रुप है इसमें ये बोन टूटता है, एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा एक नीचे जुड़ेगा, ये वाला बोन टूटेगा एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब जल्दी से देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास ये एसीटोन है, ये कार्बोनिल है, मैंने यहां पर बेटा जी रिएजेंट ले रखा है जिंक अमलगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो यहां पर क्या होगा कि ये CH3 ये CH3 तो सेम रहेंगे सर, ये बीच का जो CO है ना ये भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मैं यहां पर CH2 जोड़ दूं बेटा, बोलो हाँ या ना। सेम टू सेम मैं नीचे भी करूंगा कि CH3 CO और H है, CH3 और H बिल्कुल सेम है। अब यहां पर मैंने CO को क्या कर दिया बेटा जी CH2 में, तो बेटा यहां पर हमें क्या करना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखना है रिएजेंट और उसका काम, काम है एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करना। आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब जरा देखो भाई नेक्स्ट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आईटी जेई में आ भी चुके हैं और जिनके आईटी जेई में इनके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके पास एक मिक्स कंपाउंड दे रखा है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है जिसमें क्लोरीन भी लगा हुआ है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, हमें पता है कि भाई ये तो हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन है, और यदि ये क्लेमेंसन रिडक्शन है तो ये CO को किसमें कन्वर्ट कर देगा CH2 में। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि एसिड की प्रेजेंस है और एसिड जो है HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H प्लस और Cl माइनस देता है। अब जो ये Cl- है और पहले भी यहां पर Cl- लगा हुआ है, तो ये Cl- किसी दूसरे Cl- को तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, तो होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Cl बिल्कुल एज इट इज बना रहेगा। अगर मैं इसको A कह रहा हूं और इसको मैं B कह रहा हूं, बेटा क्या बोला मैंने, इसको A और B, A और B में इतनी दो कंपाउंड में से सिर्फ एक बनेगा, आप जल्दी से बताओ A बनेगा या B बनेगा, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। ए बनेगा या बी बनेगा, बहुत बढ़िया ए बनेगा, ये नहीं बनेगा, बी को गोली मारो, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो, जेडन एच जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, आपको पता है कि भाई इस वाले ग्रुप का CH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर OH है, हम लोग जानते हैं कि HCl भाई एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस और Cl माइनस देगा कि नहीं देगा, तो होता क्या है कि पहले ये कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, इसमें ऐसे कर देगा OH और एक एच प्लस आकर इस पर चिपक जाएगा तो ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो जाता है और यहां पर बन जाएगा आपके पास कार्बोकैटायन। और आपने बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि भाई कार्बोकैटायन यहां पर बना है,
इसके इधर भी सी एच टू यानी बीटा वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अगर होंगे तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, कहीं से भी निकाल दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप डी प्रोटोनेशन करोगे बेटा यहां पर एक एच प्लस निकालोगे तो आपके पास, इसको अगर मैं ए कह रहा हूं इसको मैं बी कह रहा हूं, जल्दी से बताओ कौन सा बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा? बिल्कुल सही है, ए को मारो गोली आंसर आया आपके पास बी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये क्लीमेंसन रिडक्शन था, सिंपल क्वेश्चन भी मैंने बताए और जो उसमें वो खेल सकता है तुम्हारे साथ दिमाग के साथ वो भी मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास है वुल्फ-किशनर रिडक्शन। वुल्फ-किशनर रिडक्शन का पहले रिएजेंट पहचानना बहुत जरूरी है कि सर रिएजेंट कैसे पहचाने। देखो अगर मान लो ए से कोई रिएक्शन दे रखी है बी और यहां पर कुछ लिखा है, उस रिएजेंट का नाम होगा हाइड्रोजन NH2 इन बेसिक मीडियम, यानी OH- दे रखा है, या हो सकता है कि OH- की जगह पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट लिखा हो या NaOH डायरेक्ट लिखा हो। तो मैंने यहां पर OH- लिया है। काम क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोक्सिलिक को CH2 में कन्वर्ट करना, यानी वही काम है जो पहले भी था क्लीमेंसन रिडक्शन में। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं NH2 इन बेसिक मीडियम तो भाई यहां पर क्या होगा, ये वाला ग्रुप तो कन्वर्ट होगा ही, यहां पर भी CH2 यहां पर भी CH2। अब देखते हैं कि जो OH- है वो क्या करता है। देखो हम लोग जानते हैं कि बेसिक मीडियम यानी बेस जो होता है वो हैलोजन के अल्फा कार्बन, चाहे तो आप यहां मान लीजिए या फिर आप इसको मान लीजिए, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी भाई OH- यानी बेस आएगा यहां से एच प्लस लेगा तो यहां पर वाटर बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर जाएंगे तो डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो मुझे बताओ ये A4 अल्लू और B4 बल्लू में अगर हम कंपेयर करें तो बताओ दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, बताओ कौन सा बना, ए बनाया बी बना, ए बनाया बी बना, पहले वाली रिएक्शन में बताओ बेटा जी, ए बनाया बी बना, बी बना, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास बनेगा, ए को गोली मार देना। ठीक है बेटा, अब जल्दी देखो नेक्स्ट वाली रिएक्शन में, सेम टू सेम मेरे पास रिएजेंट है NH2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर कार्बोनिल है, ये तो रिड्यूस होगा ही, दोनों में रिड्यूस किया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई अगर बेसिक मीडियम है तो OH- है, वो OH- पहले से ही जो OH- है वो तो दोनों सेम भाई है, ना कोई किसी से स्ट्रॉन्ग बेस है ना कोई किसी से वीक बेस है, तो यानी कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर कोई किसी का बिगाड़ नहीं पाएगा तो सीधी सी बात है कि जो लगा रहा वो पहले से लगा रहेगा, तो वो OH- एज इट इज मेंटेन रहेगा। जल्दी से बताइए, अगर मैं इसको ए कह रहा हूं बेटा और इसको मैंने अगर बी कहा, इसको क्या कहा मैंने ए और इसको क्या कहा मैंने बी, तो जल्दी से बताओ ए और बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। बहुत बढ़िया, ए को रखो और बी को मारो गोली। ठीक है, और एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब दे रखा होगा अलग अलग कार्बोनिल से बनाने के लिए एल्केन बना रखी होगी, ठीक है, वो पूछेगा कि इनमें से सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है जो एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर दे एल्केन में। तो मैंने यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ, इसको याद कर लेना, वुल्फ-किशनर इज बेटर देन क्लीमेंसन रिडक्शन। नोट पॉइंट याद रख लेना है कि वुल्फ-किशनर मेथड जो होता है वो क्लीमेंसन रिडक्शन से ज्यादा अच्छा होता है कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, एल्केन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं भाई आगे, अब समझने की कोशिश करिएगा, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हमें क्या काम करना है कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनानी है, और एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग टास्क होंगे। पहला टास्क क्या है कि हमें ऐसी एल्केन बनानी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल हैलाइड के बराबर हो। क्या लिखा है मेरा टास्क, इफ वी नीड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि जिंक डस्ट को अगर मैं HCl के साथ लेता हूं, या रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है भाई, जिंक एक Cl इसका लेगा, एक Cl इसका लेगा, ZnCl2 बना देगा बेटा जी, ZnCl2 बना देगा, और ये जो हाइड्रोजन है यहां पर लग जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी, CH3CH3। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे की बात बता देता हूं, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपने एक बात पढ़ी होगी कि एल्कली मेटल के जो सोल्ट होते हैं वो आयनिक होते हैं, पढ़ी होगी आपने ये बात, तो हुआ क्या कि ये सॉल्ट डिसोसिएट हुआ लिथियम पॉजिटिव आयन में और एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन में। फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन में एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आप लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाप रे बाप, मतलब नेगेटिव चार्ज किसी मेटल पे आ जाए तो बेटा उसका तो नाम बदनाम हो जाता है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होल्ड करना।
और नेगेटिव चार्ज का मतलब तो यह हुआ कि भाई उसका किसी ने, अरे ये क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है भाई, अब जरा देखो भाई, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका मुंह काला हो चुका है, वो अपने ऊपर से कलंक मिटाना चाहती है, नेगेटिव चार्ज हटाना चाहती है। तो होगा क्या जरा देखो बेटा, यहां से ये हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, पीछे से रिएक्शन करेगा, SN2Cl बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर निकलेगा, इस Cl को कौन पकड़ लेगा, लिथियम, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, लेकिन यहां पर क्या कनेक्ट हो गया, हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा यहां पर, इथेन। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। दूसरी चीज एक और बात ध्यान रखनी है, अगर इसके जगह पर कभी भी सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रखा हो तो नोट पॉइंट ध्यान रखना कि बट NaBH4 ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बहुत कम होती है, वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, जो काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर पाता है वो उसका भाई नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, वुड्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। वुड्स रिएक्शन का टास्क क्या है कि जब हमें कोई ऐसी एल्केन बनानी हो जिसमें एल्काइल हैलाइड से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, यहां पर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, यहां पर ही मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, लिखा होगा ड्राई ईथर एरो के ऊपर या सोडियम, तो आपको पता है कि यहां पर एक NaCl मॉलिक्यूल और यहां पर एक NaCl मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, दो NaCl मॉलिक्यूल को जैसे आप बाहर निकालोगे, इन दोनों को CH3 CH2 CH2 CH3 सबको कंबाइन कर देना, आपको दिखेगा कि यहां पर मैंने एक नई एल्केन बनाई है और उस एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। ये मेथड एक बेटर मेथड है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ उन एल्केन के लिए जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में के ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि चार स्टेटमेंट दे रखी होगी, चार में से तीन उसकी लिमिटेशन होगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो पहले लिमिटेशन समझने की कोशिश करिएगा, पहला क्या है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर एल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं इस मेथड से ओड नंबर कार्बन की एल्केन बनाऊंगा तो जब उसको मैं बना रहा हूंगा ना, तो वहां पर सिर्फ अकेली वो नहीं बनेगी, वहां पर और भी एल्केन बनेगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट उसके नियर बाय होगा, और बेटा उनको आइसोलेट करना, अलग अलग करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस मेथड से बना नहीं सकते, बन जाता है प्रोडक्ट, लेकिन उसको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हम इस मेथड से उसको नहीं बनाते, ठीक है। पहली लिमिटेशन याद है, फिर दूसरी चीज क्या है, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यह बात समझ लेना, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड में लेता हूं भाई, सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड कौन हो सकता है, CH3Cl, और मैंने वहां पर सोडियम लिया, ड्राई ईथर लिया, तो जब दो मॉलिक्यूल CH3Cl के कंबाइन होंगे तो भाई एक CH3 इधर से एक CH3 इधर से कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, इथेन। यानी वुड्स रिएक्शन की सबसे छोटी जो एल्केन होती है, जो बनती है उसके अंदर, वो होती है इथेन। तो मीथेन तो उस कैटेगरी में कहीं आई नहीं, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। अब एक बात और समझने की कोशिश करिएगा बेटा, थर्ड लिमिटेशन क्या है, यदि आपके पास एल्काइल हैलाइड दे रखा हो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, ये बात समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहां पे, जैसे मान लो यहां पर ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सोडियम दिया हुआ है, ड्राई ईथर दे रखा है, और ये रिएक्शन देकर वो चार ऑप्शन दे देता है कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो आधे बच्चों को क्या लगता है कि सर ये तो बड़ी सिंपल है, इसके दो कर लो, दो NaCl निकाल दो और ये प्रोडक्ट बना दो, ये प्रोडक्ट बना दो। आधे बच्चों को लगता है कि सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको बताऊं मैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे मैच करेगा, जो आपको भरोसा दिलाएगा कि जो आप गधापंती कर रहे हो, जो आप गलती कर रहे हो, वो गलती बिल्कुल सही है, आपको अपने पे बिलीव होगा, यस चार नंबर पक्के, लेकिन वहां पर -1 होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो कहां बन गया, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है कि भाई ये Cl बाहर निकल जाता है, जो एक्चुअल में होता है मैं आपको बता देता हूं, CH3C, अगर आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो वहां पर कार्बोकेटायन और Cl- अलग हुआ बेटा। अब कार्बोकेटायन का जो अल्फा कार्बन होगा, यदि उस पर हाइड्रोजन होगा, तो हम वहां पर क्या कर देंगे, डीप्रोटोनेशन कर देंगे, H+ को बाहर निकाल देंगे, और वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी। चार ऑप्शन में जब एल्कीन दे रखी होगी बेटा, तो ये करेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई आगे, एक रिएक्शन है, प्लीज देखो,
इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विल बी आईआईटी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, और इसके लिए मैं पहले से हिंट भी आपको दिए हैं। अब क्या है कि भाई ये ऑक्सीजन जो है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीनिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब सॉलिड बॉडी वाला, तो ये तो टूटेगा नहीं आसानी से। हम लोग यहां पर जानते हैं कि HBr एक एसिड है जो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। अब जरा देखो H प्लस क्या है, इसका घर सुना सुना सा पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी फील कर रहा है, इसके घर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H प्लस क्या करेगा, इन लोन पेयर के साथ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब लग जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर मैं H प्लस यहां पर लगा देता हूं और Br माइनस पीछे से अटैक करेगा, तो ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, आप लोग जानते हैं कि sp2 हाइब्रिड कार्बन पर SN2 रिएक्शन नहीं होती, और यहां पर ये वाला है आपके पास sp3 हाइब्रिड कार्बन, तो Br माइनस इधर पीछे से अटैक करेगा और H इसके साथ चला जाएगा। तो जो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेटा जी ये, ध्यान से देखो, ठीक है, कौन सा आएगा हमारे पास, ये आएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं दूसरी रिएक्शन को आप ध्यान से देख रहे हो, तो यहां पर सोडियम लिखा हुआ है और इथर लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है बेटा, ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि भाई इंट्रामोलिकुलर करा दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप एक बीआर को हटाओ, यहां से आप बीआर को हटाओ, तो सिक्स मेंबर की रिंग बन जाएगी, ओएच सेम टू सेम रहेगा। मुझे बस ये बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हां ना का जवाब दीजिए भाई, जल्दी से बताइए भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी गलत है, जल्दी से बताइए भाई, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, जग जग सुना सुना तो लगेगा बेटा, पर एक बार ध्यान दो जल्दी से, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, डी आंसर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ये वुड्स रिएक्शन का पार्ट है और ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो ये मत समझना कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन वहां से आते हैं, देखो एनसीईआरटी का ना सिलेबस आता है, आप देखोगे 2019 सदियों पहले का साल नहीं था, अभी रिसेंटली था। वुड रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सिंपल वो नहीं आती जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन वुड रिएक्शन टॉपिक है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहां पर हमने देखा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है और हमने बना दिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा देखो आगे, आगे हमारे पास क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएजेंट है हमारे पास, पहले क्या समझना, कोरे हाउस सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है कि जैसे सब्जी स्वाद अनुसार होती है ना, वैसे कोई भी एल्केन बनाओ इच्छा अनुसार वो इससे बन जाती है। रिएजेंट पहचानना बहुत जरूरी है, R2CuLi, रिएजेंट पहचानना बहुत जरूरी है R2CuLi, अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है A2B, ये आपने पहचान लिया तो देखो काम क्या है इसका, अगर R2CuLi RX के साथ रिएक्शन करता है तो R2CuLi का एक R इस R के साथ कंबाइन होगा, दोनों R मिल जाएंगे और वहां पर क्या बन जाएगा, एल्केन, और CuR एक R इस Cu के साथ लगा रहेगा और ये Li इस X को लेकर भाग जाएगा और इधर शादी करके क्या कर लेगा, Li X बना लेगा। अपनी समझने की कोशिश करिएगा, इस मेथड से आप ओड नंबर, इवन नंबर, चाहे ब्रांच एल्केन ही क्यों ना हो वो भी बना सकते हो। जरा देखो, अगर मैंने यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिए हैं दो, CuLi लिया है, R मैंने ये ग्रुप ले रखा है, यहां पर मैंने CH3Cl लिया हुआ है, तो एक मैं इसका लूंगा, एक इसका लूंगा, तो क्या बनेगा भाई, यहां पर CH3 और एक CH3 इसका कनेक्ट हो जाएगा, Li के साथ कौन चला गया, Cl, तो LiCl, और एक Cu के साथ सेम वही रहेगा, तो CH3 CH CH3। जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर हुआ बेटा, बोलो हाँ या ना, क्या कोरे हाउस सिंथेसिस क्लियर हुआ बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है, भाई बेटा इतना समय नहीं है अभी भाई, हाँ इसको गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बताया गिलमान रिएजेंट इसको कहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, गिलमान रिएजेंट इसको कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये सोडा लाइम क्या होता है, तो जरा देखो बेटा, सोडा का मतलब होता है NaOH, लाइम का मतलब है CaO, सोडा लाइम का जो बेटा जी आपके पास सोडा लाइम का जो ये मिक्सचर है NaOH और CaO, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। और रिएक्शन क्या करोगे आप, यहां पर ये ग्रुप आपको तोड़ना है और यहां पर NaOH के साथ देना है, तो देखो एक सोडियम दो सोडियम कार्बन एक तीन ऑक्सीजन, तो यहां पर पहले क्या निकाल दोगे आप, Na2CO3, आपको पता है कि एल्कली मेटल के कार्बोनेट बहुत स्टेबल है, रिएक्शन में स्टेबिलिटी मिलेगी, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे Na2CO3, और ये हाइड्रोजन जब उसके साथ कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा CH4। यहां पर क्या होता है कि जितने कार्बन हमारे रिएक्टेंट में होते हैं
प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है और कार्बन रिड्यूस होने की वजह से यानी कार्बन की संख्या कम होने की वजह से ही इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब जरा देखो यहां पर 1, 2, 3 कार्बन है, NaOH है, आप क्या करोगे यहां पर इसको निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा Na2CO3 और प्लस Na2CO3 प्लस और यहां पर एक बन जाएगा हमारे पास इथेन। ठीक है, एक नोट पॉइंट और लिखवाना चाहता हूं बेटा मैं। मान लो ये रिएक्शन मेरे पास ए है, ये रिएक्शन मेरे पास ए है और यहां पर मैं लिखता हूं CH3CH2COONa और इधर मैं CH2 की जगह पर क्या कर रहा हूं भाई, CH3 की जगह पर यहां पर मैंने NO2 जोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा उससे मतलब नहीं है, ये रिएक्शन और ये बी रिएक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी रिएक्शन में कार्बन ऑलमोस्ट सेम है, बस एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट आपके पास K1 है और इसको आप कहोगे K2 और ये पूछा जा सकता है कि K1 और K2 में किसकी वैल्यू बड़ी है, तो प्लीज समझने की कोशिश करना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में माइनस इफेक्ट लगाने वाले, माइनस इफेक्ट लगाने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उस रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करते हैं। नोट पॉइंट लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डी कार्बोक्सिल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और यदि ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो सीधी सी बात है रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा तो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हम कहेंगे कि K2 जो है K2 ज्यादा होगा K1। कुछ गधे कह रहे हैं सर K2 स्लो है, नहीं K2 ज्यादा है बेटा, K2 ग्रेटर देन K1 होगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, यह नोट पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्क समझ लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन है फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब बिजली का यूज करेंगे बेटा यहां पर। अब प्लीज समझने कोई करिएगा, ट्रिक क्या है इसकी, आपके पास इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, वाटर भी लेंगे क्योंकि जब हम इन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे मतलब पानी के अंदर डालेंगे तभी तो वो आयनों में डिसोसिएट होंगे और उनको बैटरी के अंदर रखेंगे और करंट चलाएंगे तब प्रोडक्ट बनेंगे कुछ। अपनी समझने की कोशिश करिएगा, ये CO2 मॉलिक्यूल अलग निकाल देना और NaOH को अलग कर देना और इन दोनों हाइड्रोजन को इधर से कंबाइन, इन दोनों CH3 को इधर से कंबाइन कर देना, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास CH3 प्लस CO2 प्लस के NaOH और वो भी दो मॉलिक्यूल और दो ही किसके बनेंगे CO2 के। अपनी समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, हम लोगों को एक बात पता है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई एनोड पर कौन सी गैस गई और कैथोड पर कौन सी गैस गई, हम लोगों को ये पता है कि भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन उस स्पीसीज का होगा जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, भला जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन से कंगाल हो भूखा नंगा हो वो कहां से इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और अब यहां पर जो H+ होगा, प्लीज समझना, जो H+ होगा इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे कैथोड से, तो या H+ या H रेडिकल बनेगा जो कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो एक्चुअल में समझ जाना कि ये आपकी कहां पर निकली है कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले थे। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन, अगर मैं Na को हटा के देखूं तो इस COO- यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यानी अगर इस स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन कहां दिए जाते हैं एनोड पर, यानी एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 गैस जो बाहर निकलती है वो एनोड पर होती है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया भाई। अब थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन में ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एल्केन का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम है, अगर ये सेम है फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मैंने कहा ए, ये मैंने कहा बी और ये मैंने कहा सी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। जल्दी से
बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, स्लो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जल्दी से ए बी सी का आंसर बताओ गधो। सी बी ए, हाँ क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सी बी ए, सी बी ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6, अच्छा ज्यादा हो गया क्या, ठीक है मैं इसको 3 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तीनों एल्केन का जो मोलर मास है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मुझे पता है कि भाई इसका सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज्यादा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम, इसका सरफेस एरिया और भी कम। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ही सरफेस एरिया कम होता है, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही वांडरवाल फोर्स कम होगा, जितना वांडरवाल फोर्स होगा यानी पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन कम हो रहा है, थोड़ी सी भी आग लगाओ पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, सीधा लिक्विड से कहां पहुंच जाते हैं, गैस फेज में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ब्रांचिंग होने पर सरफेस एरिया कम हो जाता है, वांडरवाल फोर्स कम हो जाता है, यानी उस सब्सटेंस को कमी हीट देनी पड़ती है वेपराइज कराने के लिए। तो अब यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बी और सी, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट का, प्लीज याद रखना है ये नोट पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, इसको अपने दिमाग में घुसा लेना। क्या बोला मैंने, द एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज लार्जर मेल्टिंग पॉइंट देन एडजेसेंट ऑड कार्बन एटम। देखो अगर मैं इस प्रोपेन और इस ब्यूटेन की बात करूं, इधर से इधर जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, ठीक है, प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा जी ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इवन नंबर भी है और क्या है, पोलर मास भी ज्यादा है। जैसे ही 4 5 में कंपेयर करूंगा, 4 5 में कंपेयर करूंगा, तो मुझे पता है कि 4 में इवन नंबर वाले कार्बन है और इसमें पेंटेन में बेटा जी ओड नंबर वाले कार्बन है और दोनों ही एडजेसेंट भी है। तो जल्दी से बताए बेटा, ब्यूटेन और पेंटेन में अगर मैं कंपेयर करूं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, ब्यूटेन और पेंटेन में अगर मैं कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होगा, चैट बॉक्स में आंसर दो। नहीं नहीं नहीं, एबीसी गलत है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, बी बी, और देखो अगर मैं ए सी में कंपेयर करूं तो दोनों में ओड है, समझ रहे हो, दोनों में ओड है, तब हम मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे कि भाई सर पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हाँ या ना का जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। आगे अगर मैं इसे हेक्सेन लेके चलूं ना, तो हेक्सेन में 6 कार्बन आ जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 वाले से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 6 से आगे जो 7 नंबर होगी हेप्टेन उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि 7 6 के बिल्कुल एडजेसेंट है और इवन वाले कार्बन वाली एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं बेटा जी हैलोजिनेशन के बारे में, हैलोजिनेशन के बारे में बात करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन आपने देखी है कि मीथेन जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करती है, HCl बाहर निकलता है, तो हर कंडीशन में एक एक हटता चला जाएगा, Cl लगता चला जाएगा। ये रिएक्शन जो है सनलाइट में होती है बेटा, सबको पता है कि यूवी रेज लगती है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो नोट पॉइंट क्या है, इस रिएक्शन को देकर वो 4 ऑप्शन दे सकता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करता है, कौन सा, कार्बोकैटायन या फिर कार्बो अनायन या फिर फ्री रेडिकल या फिर कार्बिन मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म ऐसे लिख देगा। मुझे बताइए दिस रिएक्शन फॉलोज डैश, इसमें मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा क्या लिखूं इसमें मैं, क्या पढ़ूं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन ना, फ्री रेडिकल, बहुत बढ़िया। तो ये हमें याद रखनी चाहिए भाई कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। आगे बढ़ता हूं भाई मैं इसी के अंदर, अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, अगर मान लो मेरे पास एक मीथेन एल्केन है, प्रोपेन Cl2 की रिएक्शन में दे रहा हूं, सनलाइट है, लेकिन मैंने इसका 1 इक्विवेलेंट ही लिया। अब 1 इक्विवेलेंट में क्या है कि इस वाली एल्केन के पास 2 तरह के बेटा जी कार्बन है और हाइड्रोजन भी 2 तरह के हैं, प्राइमरी, इसको 1 डिग्री कहेंगे, इसको 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि Cl यहां पर भी लग सकता है और Cl यहां पर भी लग सकता है, मैंने यहां पर भी लगाया और यहां पर भी लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोनों में मेजर कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो प्लीज समझना मेजर होगा हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट और ये होगा बेटा जी माइनर,
और कुछ गधों को डाउट रहेगा सर ऐसा क्यों, तो मैंने लिखा हुआ है कि कुछ गधों का डाउट सर ऐसा क्यों। तो प्लीज समझना, जब इसका रेडिकल बनाएंगे, जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो इसके लिए रेडिकल कौन सा बनेगा, ये बीच में 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे मान लो ये बनाना है तो इसके लिए रेडिकल कौन बनेगा बेटा जी, प्राइमरी रेडिकल बनेगा। अब इस वाले रेडिकल को हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2। हम लोग जानते हैं कि जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है वो रिएक्शन उतनी ज्यादा अच्छे से होती है, फास्टर होती है, तो ज्यादा अमाउंट में आपके पास ये बनेगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार, हाँ या ना, यस और नो। अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो भाई, आगे एक और रिएक्शन है, ये रिएक्शन नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और Cl2 और Cl2। तो मैंने देखा कि भाई इस बार जो है ना, ध्यान रखना है कि गेम चेंज हो चुका है, गधो मतलब तुम्हारा ही नाम था, कि अब कहानी वो नहीं है जो हमने पीछे देख रहे थे। अगर आपके पास प्रोपेन होती तो अलग बात थी, अगर आपके पास ये आ जाए आइसोब्यूटेन, तो इसमें ध्यान रखना है अब स्टेबिलिटी नहीं अवेलेबिलिटी का गेम है। स्टेबिलिटी का मतलब अब रेडिकल की स्टेबिलिटी मत देखना, अब ये देखना कि भाई हमारे पास मानते हैं कि ये 3 डिग्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, पर है तो एक ही ना, हाइड्रोजन तो एक ही है ना, इतना ये एक बनेगा तो वो 9 बन जाएंगे, वो कितने बन जाएंगे, 9 टाइम्स बन जाएंगे। तो अगर ये 9 बनेंगे तो सीधी सी बात है क्लोरीन मैक्सिमम टाइम पर या तो इस पे लगे, इस पे लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बना जिसको मैंने ए कहा और एक को मैंने क्या कहा, बी। तो ए और बी में अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ए बनेगा या बी बनेगा, हाँ ए और बी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर, ए और बी, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। देखो अबे गधे, मेल्टिंग पॉइंट वाला ठीक तो है, देख इसमें 4 कार्बन है, उससे ज्यादा 4-5 वाले से भी ज्यादा हो तो सही तो है, ये 4 का हाईएस्ट है, खुद पढ़ते नहीं हो तुम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना ना मुझे, ठीक है मेरा। अब जरा देखो भाई, यहां पे देखो पहले कि ये क्लियर हुआ बेटा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, ए मेजर प्रोडक्ट होगा। और प्लीज एक और बात ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये भी हमें ध्यान रखना है कि फ्लोरीन और आयोडीन इस रिएक्शन को नहीं देते, क्योंकि फ्लोरीन तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं होती, इसीलिए हम वहां पर F2 नहीं लेंगे। और I2 के चक्कर में रिएक्शन इतनी एंडोथर्मिक हो जाती है, प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल बनता है। इसका मतलब क्या होगा कि हम इस आयोडीन का भी हैलोजिनेशन नहीं करते। 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछता है कि अगर आपको कोई एल्केन दे दे और Cl2 लगा दे, अभी ये तो मैंने छोटी एल्केन दे रखी है, हो सकता है कोई बड़ी एल्केन दे दे जिसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हो। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो उनको गिन के लिख देना। अगर कोई मान लो किसी प्रोडक्ट में काइलन सेंटर बनता है तो उसको 2 काउंट कर लेना, और नहीं बनता है तो उसको 1 काउंट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी इस पर आ सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अगर आपके पास कोई भी एल्केन है और आप उसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में AlCl3 के साथ कर रहे हो, 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हो बेटा, तो यहां पर आप क्या करोगे, कोई भी एल्केन है तो इसका आप चेंज कर दोगे, उसका आइसोमर लिख देना, यहां पर कोई भी आइसोमर लिख देना जो आपका मन करे। सेम टू सेम यहां पर देखो भाई, अगर आपके पास यहां पर पेंटेन है, आप इसके AlCl3 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो, तो ये आपके पास एन पेंटेन है तो आप इसको आइसोपेंटेन कर दो, जो भी आपका मन करे, स्वाद अनुसार। इस रिएक्शन को हम क्रैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, इसमें आइसोमर बनते हैं जो एल्केन है, एल्केन की एल्केन ही रहती है लेकिन आइसोमर होते हैं। आगे देखो भाई, नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर मान लो हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है, और उस एल्केन में 6 कार्बन है, इसमें 2 अच्छा CH2 CH3, तो एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट वाले कार्बन और 6th वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कम कर लेना। तो पहले स्टेप में जैसे हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेंगे, तो इस वाले कार्बन को जैसे आप कनेक्ट करोगे ना, तो यहां पर 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर रिंग की फॉर्मेशन होगी, या इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। लेकिन सेम कैटलिस्ट CR2O3 और Al2O3 के मिक्सर को अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं,
तो यहां पर ये CH2 होता है बेटा, यहां पर भी CH2, तो अब हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और निकलेगा और थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जैसे यहां पर निकलेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन। ये बात ध्यान रखनी है, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन। अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कार्बन है, किसी भी एक को फोकस कर लो, फिर सिक्स कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 तो छठे कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन यहां से कम करना है, एक हाइड्रोजन यहां से कम करना है, इस CH3 को एज इट इज लगे रहने दे रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा जी, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, रिंग क्लोज कर देना, एक CH3 लगा रहेगा, या तो कैटलिस्ट हमारे पास सेम वही हो Cr2O3 Al2O3 तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह पर अगर सिलीनियम भी लिखा हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो इस रिएजेंट का भी काम एरोमेटाइजेशन ही करना होता है, ठीक है, रिडक्शन करना ही होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, टॉलविन। क्या बना हमारे पास यहां पर, टॉलविन। बहुत बढ़िया, तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी बेटा। 8 मेंबर रिंग नहीं बनाएंगे, 8 मेंबर रिंग जो है वो हाईली अनस्टेबल होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है सभी का। बढ़ते हैं आगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्काइन्स। ध्यान रखना है एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए हमें कुछ ध्यान रखना है, वो क्या है, बाय लिंडलार कैटलिस्ट और रोजनमुंड रिडक्शन। प्लीज समझना, अगर मैं पैलेडियम को चारकोल में डालूं और यहां पर कोई एल्काइन ले रहा हूं, मैंने ईवन का लो लिखा था क्या, एक मिनट रुको, लार्जर लिखा था, गधो पढ़ते नहीं हो कुछ भी। हाँ देखो बेटा, तो ये होता है हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट और इसको रोजनमुंड रिडक्शन, इसको भी लिंडलार कैटलिस्ट ही कहते हैं। सिस मैनर में, सिस मैनर में कह लो या सिन मैनर में कह लो, सिन क्योंकि देखो पैलेडियम मेटल है, मेटल का सरफेस है, हाइड्रोजन गैस को हम चिपकाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड से लगेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास सिस एल्कीन बनती है। तो दोनों हाइड्रोजन हमने कहां पर लगाए बेटा जी, सेम साइड पर, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, सिस। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, आपने ना एस ब्लॉक में एक बात पढ़ी होगी कि एल्कली मेटल को अगर हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, और उसका डीप ब्लू कलर जो है उसके रीजन होता है कि उसके अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक भी होता है, उसका भी रीजन होता है कि उसके अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मान लो जब उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेटा क्या वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, किसी को दे सकता है, तो हम कहेंगे भाई जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या कहलाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और कोई भी एल्काइन होगी उसको एंटी मैनर में समझना बेटा जी, एंटी मैनर यानी दोनों साइड पर जो हाइड्रोजन लगेंगे वो अपोजिट लगेंगे, एक हाइड्रोजन आप यहां पर कनेक्ट करिए और एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट करिए, बाकी जो पहले CH3 CH3 थे उनको भी आप अपोजिट लिख दीजिए बेटा। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा बेटा जी, ट्रांस। क्या बनेगा, ट्रांस। और एक बात ध्यान रखना है, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन या सिस ब्यूटीन, और ट्रांस वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस से, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सिस वालों का ज्यादा होता है ट्रांस से। जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा प्रोटीन शेक, ओके आइसोसेंसेशन 93%, ठीक है वो पी लेना। जल्दी से बताओ बेटा आंसर, हाँ मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे भाई, टाइम हमारे पास भी कम है बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, 1.5 घंटे में खत्म करना है तो बड़ी दिक्कत आती है। जरा देखो यहां पर फॉर्म एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्लीज समझने की कोशिश करना। एल्काइल हैलाइड मैंने ऐसा लिया है कि इधर मेरे पास अलग टाइप का बीटा कार्बन है, इधर मेरे पास अलग टाइप का बीटा कार्बन है, और कोई भी मैं बेस ले सकता हूं। बेस अगर आपका यहां से हाइड्रोजन निकालता है तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, ये ग्रुप यहां पर निकल जाएगा,
प्लीज समझ लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज मेरे ऊपर ध्यान दे लेना, अभी बोर्ड पर ऊपर ध्यान दे लेना, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा देखो, बाद में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सारा कंटेंट दूंगा मैं, बेशक कहने के लिए स्पीड कोर्स है, स्प्रिंट कोर्स है, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। जरा देखो यहां पर, अगर आपके पास बेस यहां से हाइड्रोजन निकालता है और ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये, जिसको हम कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? होफमैन प्रोडक्ट। और होफमैन प्रोडक्ट क्या कहता है? होफमैन कहता है कि भाई एलिमिनेटेड ग्रुप से निकलते समय हाइड्रोजन यदि उस बीटा कार्बन से निकले जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, तो मैंने ये टू वाला कम है, ये ज्यादा वाला है, तो यहां से निकाला तो मेरे पास होफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। और यदि मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, इसको कहते हैं सेजअप प्रोडक्ट। सेजअप भैया क्या कहते हैं कि भाई लिविंग ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोजन यदि उस बीटा कार्बन से निकले जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम है, तो वो वाला मेजर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। दोनों ही अपोजिट बात करते हैं, लेकिन प्लीज नोट पॉइंट ध्यान रख लेना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि कौन सा कब ज्यादा स्टेबल होता है। अगर जनरली की बात करूं मैं, ठीक है भाई, 99% तो सेजअप वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बेस अगर छोटा होगा तो, है ना। इफ बेस क्या हुआ, स्मॉल हुआ, तो आपके पास सेजअप प्रोडक्ट ही होगा। दूसरा, होफमैन प्रोडक्ट कब कब बनता है? या तो जो बेस है वो बहुत बड़ा हो, बल्कि हो, या फिर बेटा जो लिविंग ग्रुप है एक्स यानी हेलोजन जो है वो फ्लोरीन हो। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, या तो बेस बहुत बड़ा हो और या बेटा लिविंग ग्रुप हेलोजन फ्लोरीन हो, तब आपके पास होफमैन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जैसे मान लो एक रिएक्शन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एल्कोहलिक KOH है एक्सेस में, एल्कोहलिक KOH है एक्सेस में, और बताओ भाई क्या बनेगा, और गर्म भी किया हुआ है। हमें पता है कि एल्कोहलिक KOH क्या होगा बेटा जी, स्मॉल स्मॉल बेस है, स्मॉल बेस है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेजअप प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर मान लीजिए इस बी आर को मुझे निकालना है, एक तरफ इधर CH होगा, एक तरफ CH2 होगा, तो बेटा CH2 से H निकालूं या CH से, तो आप देखोगे सर सेजअप वाला लगाओ ना, क्योंकि सेजअप वाले में स्मॉल अगर बेस होता है तो आप सेजअप रूल फॉलो करते हो। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं हाइड्रोजन इस बीआर को हटाऊंगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। और बात रही इस बीआर की, इस बीआर के लिए ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, दोनों में से कोई भी हट सकता है, लेकिन हम अगर इस वाले से CH हटा के, मतलब हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड यहां पर लेके आते हैं, तो देखो आप ध्यान से देखना, डबल सिंगल और बेंजीन रिंग का भी रेजोनेंस मिलेगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था GOC के कि किसी भी एल्कीन में जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जरा देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो रेजोनेंस पूरा नहीं होगा, रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है, और रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है तो बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल है। दोनों में कंपेयर करें तो स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा देर तक बनेगा ना, तो हम क्या कहेंगे बेटा जी, हम जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारे पास, टिंग टिंग टिंग, ABCD, जल्दी आंसर दो, ए होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? बस ये क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दे लो यार, नेक्स्ट में चेंज कर लूंगा। रुको 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 रुको, अब देखो, अब देखो, ए आंसर है, बिल्कुल सही है, सबको पता लग गया ए आंसर है। अब जल्दी देखो बेटा, अब जल्दी देखो, ए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंट दिया है मैंने, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, वाई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपके पास ये ग्रुप लगे हुए हैं, बेस स्मॉल है, हीट करा हुआ है, और ये एल्कोहलिक NaOH कह लो, एल्कोहलिक KOH कह लो, बात एक ही है। तो जब आप CN निकालोगे तो एक तरफ यहां पर CH3 होगा, एक तरफ यहां पर CH होगा, तो होफमैन रूल ना लगकर यहां पर क्या लगेगा बेटा जी, सेजअप रूल लगेगा, क्योंकि बेस क्या है, स्मॉल है, बेस अगर स्मॉल होगा बेटा, ये वाला तो दिख रहा है, देखो ये तो झूठ बोल रहे हो तुम लोग, कोशिश करो थोड़ा मैनेज करने की, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, ठीक है, कोशिश करो थोड़ा मैनेज करने की, अब तो चेंज हो नहीं सकता, जो PPT बन चुकी है वो बन चुकी है, ठीक है, मैं बस समझा सकता हूं कि कहां क्या क्या हो रहा है, प्लीज समझने मैनेज करो यार साथ साथ में। तो भाई यहां पर से H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास कि भाई इधर CH3 है, लो मैं ब्लैक ले लेता हूं देखने के लिए, कि भाई इधर हमारे पास CH3 सेम टू सेम रहा, इधर डबल बॉन्ड आ गया ऊपर ऊपर, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है। अब HBr जोड़ोगे आप, तो जैसे ही आप एडिशन करोगे HBr का, तो आपको पता है कि भाई मार्कोवनिकोव रूल लगा सकते हो, और नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस,
तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो बी आर नेगेटिव कहां पर जाएगा? इस वाले कार्बन पे। तो जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से, पेन का कलर मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सी करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज समझने की कोशिश करना, आप समझ लो कि ये क्वेश्चन जो है ना, जितने भी मैंने कराए अपनी तरफ से नहीं है, आईआईटी 2019 का आया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है बेटा जी, और नेक्स्ट ईयर जो आया था ये था आईआईटी 2020 का क्वेश्चन है। प्लीज समझना, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, प्लीज समझना, टर्शरी ब्यूटोक्साइड और गर्म किया हुआ है। टर्शरी ब्यूटोक्साइड का मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि भाई बल्की बेस है। कौन सा बेस है? बल्की बेस है, इसको के कर लेना, बल्की बेस है। और बल्की बेस के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है जल्दी बताओ, कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है गधो। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी का रटने से कोई फायदा नहीं है कि अल्कोहलिक के हुए याद हो रहा है सर बस बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, वो चेंज करता है कुछ कुछ। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर, जब मैं बल्की बेस लूंगा यहां पर, तो मुझे पता है कि भाई ये आयोडीन है, इधर मेरे पास CH3 है, इधर CH है। हॉफमैन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन इधर से निकालना पड़ेगा और साइड में आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, बताने की ज्यादा बात ही नहीं है, आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया, बी फॉर भालू, बी फॉर बंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड की बात कर रहे हैं भाई। देखो जरा, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी मेंशनड है, चाहे आप तो जैम डाइहैलाइड ले लो या विसिनल डाइहैलाइड ले लो। जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं, कि जब किसी भी एल्काइल हैलाइड के एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे होते हैं, लेकिन दोनों हैलोजन कैसे हो, सेम टाइप के हो। अगर एक बीआर हुआ, एक सीएल हुआ, तब उसको हम जैम डाइहैलाइड नहीं कहते, दोनों के दोनों हैलोजन सेम होने चाहिए। यानी मैंने एक कार्बन पर दोनों सीएल सीएल लगाए, इधर जैम डाइहैलाइड, तो यहां पर तुम क्या करोगे, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ये कर लेना भाई। तो यहां पर आपके पास एल्कीन बन जाएगी, और जिंक डस्ट में अगर आप लोगे, यहां से एक सीएल निकलेगा, यहां से सीएल, इसको लिखेंगे विसिनल डाइहैलाइड, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कर लेना बेटा खुद से। अब बढ़ते हैं आगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो पॉइंट मैं इस रिएक्शन के लिए बताऊंगा वो याद रख लेना है भाई, क्या क्या है प्लीज समझना। नोट पॉइंट क्या है, कि हमें बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकालना है एल्कोहल का, ठीक है, और एल्कीन बनानी है। अब जरा देखिए नोट पॉइंट क्या है, कि इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकोटाइन विल पॉसिबल, ठीक है भाई, विल टेक प्लेस, टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट करनी है। आप क्या करोगे, यहां से OH हटाओ, OH हटाने के बाद CH3CH2 पॉजिटिव आपने कार्बोकोटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इस कार्बोकोटाइन के एडजेसेंट पे जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन हटा देना, और जैसे आप यहां पर हाइड्रोजन हटाओगे ना बेटा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो नहीं रही है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, खेल के चेंज हो चुका है, मैं इस OH को अगर हटाता हूं तो प्लीज समझना यहां पर क्या होगा, CH3 C और CH3 और इधर CH3 इधर C आएगा और H और पॉजिटिव इधर CH3। मैंने OH को हटाया, उस यहां पर कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब जरा देखो, इधर से तो हाइड्राइड शिफ्ट कर नहीं सकते, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री में तो चेंज होगा नहीं, 1 डिग्री तो अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं इधर से मिथाइल शिफ्ट करके इधर लेके चला जाऊं, तो यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, उधर मिथाइल लग जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास क्या बना, मेरे पास बनेगा ये कार्बोकैटायन CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज C, और ये CH3 नीचे आ गया भाई, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 H and then CH3। और इस कार्बोकैटायन में ध्यान रखना है, हॉफमैन रूल लगाना है। अब एक तरफ हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जिस पर 3 है, और एक तरफ निकाल लेंगे भाई अल्फा कार्बन पे तो एक हाइड्रोजन है, इधर से अगर हम निकालते तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, CH3 C
CH3 डबल बॉन्ड, इधर सी CH3 और CH3। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं देखिए प्लीज, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं प्लीज समझिएगा। अगर मान लो मैं इधर से हाइड्रोजन हटाता और उस एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करता, मैंने लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी डिपेंड करती है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और अगर यहां पर बनाता ना तो अल्फा हाइड्रोजन एक या दो ही होते। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते, एक या दो ही होते, तो उसके कंपेयर में ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। और आपको पता है कि कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, कि प्रोडक्ट में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसको मिलेगी उतना वो फॉरवर्ड बढ़ता रहेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट बन जाएगा ये। बात समझ में आई, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, हां ना का जवाब चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं भाई, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, सेम पहले जैसी रिएक्शन है, सेम ट्रिक है, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा दे रखा है, आपको दो मॉलिक्यूल वाटर के लेने हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है, जरा देखो बेटा इधर इनको कंबाइन करना तो ये क्या बन जाएगा, KOH, नीचे बनाएगा KOH, इधर एक हाइड्रोजन बचा, इधर एक हाइड्रोजन बना, तो इनको कंबाइन कर देना एक साथ, CO2, आग लगाओ और बुझाओ, ठीक है भाई। और इधर कंबाइन हो जाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर भी एक बॉन्ड बनेगा, तो ये बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दो मॉलिक्यूल CO2 के प्लस के क्या जाएगा बेटा जी, और दो मॉलिक्यूल KOH के और एक मॉलिक्यूल H2 का। मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलेगी, कैथोड पर या एनोड पर, क्वेश्चन सुन लो, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलेगी, कैथोड पर एनोड पर, चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं वो बताओ, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलेगी, कौन से इलेक्ट्रोड पर, सब मैं कुछ बचेगा नहीं, बस तुम मेरा साथ दे दो यार, ठीक है जल्दी जल्दी खत्म करना है। एनोड नहीं, कैथोड, अभी भी कुछ बच्चे एनोड कह रहे हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए CO2 एनोड पर निकलती है, फिर से लिख देता हूं मैं, यहां पर कैथोड। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, नालायक लोग। क्वेश्चन देखो जरा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ दीज रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेजेफ प्रोडक्ट, कहा है कौन सा सेजेफ प्रोडक्ट नहीं देता, ठीक है। IIT 2020 का क्वेश्चन है, देखो IIT 2020 का क्वेश्चन है, जरा आंख खोलो, पत्ती खोलो अपने दिमाग की, अब देखो यहां पे चार ऑप्शन है, इसको मैंने ओपन करके ऐसे लिखा, अगर मान लो मैं OH को हटाता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है, यहां कार्बोकैटायन बनेगा। थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने रीअरेंजमेंट करवाई थी, जिसे मैंने रीअरेंजमेंट करवाई, जैसे ही रीअरेंजमेंट करवाई तो ना तो सेजेफ बना ना होपमान बना, यहां तो कुछ और ही बना है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, राइट और रॉन्ग। अब बात करो सी की, बेस क्या है, CH3 के तीन लिए ओ माइनस, बल्कि बेस है गधो, देखो कितना बड़ा बेस है, जब बल्कि बेस होता तो क्या बताया था मैंने, होपमान प्रोडक्ट बनेगा, होपमान प्रोडक्ट बनेगा तो इस BR के साथ हाइड्रोजन यहां से नहीं जाएगी, राइट हैंड साइड से जाएगी, इस वाली तरफ से जाएगी, तो भाई ये तो ठीक है, सी तो क्लियर हो गया कि यहां पर होपमान प्रोडक्ट बनेगा। अब सी की बात करते हैं, सॉरी ए तो है ही नहीं जब ऑप्शन में, तो इसकी बात करते हैं, सॉरी BR यहां पे लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि भाई मैं कॉन्सेंट्रेट KOH लेता, बेस क्या है स्मॉल, स्मॉल बेस तो वही करेगा अपना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वो होपमान जब सेजेफ रूल को फॉलो करेगा, इस BR के एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ H लगा हुआ है, तो H इधर से निकालेगा ना, सेजेफ मेजर होगा ना, तो ये भी होपमान नहीं बनाएगा। देन डी में अगर आप OH को यहां से निकालते हो, एक तरफ CH3 एक तरफ H2 है, तो हम कहेंगे भाई यहां पर भी सेजेफ बनेगा, तो आंसर होगा बी ओनली, आंसर होगा बी ओनली, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ गधे अभी आंसर सी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बी ओनली। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टूवर्ड, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड डिहाइड्रेशन इवन मैकेरियम। प्लीज देखो, मैंने यहां पर एक बात बताई हुई है, क्लोरीन को हटाकर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक कर लो, मतलब तुम्हारा नाम भी है इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हारा नाम दिखाया गया यहां पे, ठीक है। तो प्लीज आपको क्या करना है, ये चार एल्कीन है, CL हटाओ, CL हटाओ, CL हटाओ, CL हटाओ, और फिर ये देखो कि जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा, जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा बेटा, वो आपके पास ज्यादा अच्छे से इवन रिएक्शन दे रहा होगा। अब प्लीज समझो, अगर मान लो मैं CL यहां से हटाता हूं तो कार्बोकैटायन यहां बनेगा, और यहां से CL हटाता हूं तो कार्बोकैटायन यहां बना, यहां से CL हटाता हूं तो कार्बोकैटायन यहां बना,
और यहां से शेयर हटाता हूं तो कार्बोघटायन यहां बना। तब मैं देखा कि मैंने जो डी वाला कार्बोघटायन है इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो डी वाला अगर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोघटायन है तो सीधी सी बात क्या है कि डी वाले का रिएक्शन सबसे तेज होगा भाई, डी जहां पर पहले होगा। अरे आंसर मिल गया ए में, बाकी और में तो डी सबसे पहले दे नहीं रखा ना, तो ए आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही है, ए करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आईआईटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आईआईटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मुझे क्वेश्चन बताना जरा, देखो भाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये क्वेश्चन जो है आईआईटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी 2019 में आया क्वेश्चन है। BuOK बेस कैसा है, बल्कि बेस है, बेस कैसा है, बल्कि बेस है, ठीक है। तो मुझे बताओ इस वाले कार्बन से क्लोरीन लगी हुई है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, Cl हटेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे भाई कि बेंजीन रिंग, ये एल्केन वाला ग्रुप है तो ये तो सेम रहेगा बेसरमों की तरह, इधर हमने क्या लिखा CH2, देन यहां पर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर हमने लिखा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, H2SO4 एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है तो H+ देगा और HSO4- देगा, राइट और रॉन्ग। तो ये जो H+ है ये क्या इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, तो ये इस वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, तो यहां पर क्या आएगा फाइनली पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को पता है कि बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल होती है, बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल होती है, ये यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल किसके साथ शादी करना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, यही तो आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करके ही तो रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, लास्ट वाला कार्बन जब इसके साथ कनेक्ट होगा ना तो यहां पर भी एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी और यहां पर क्या लग जाएगा OH। नहीं 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 ठीक है ठीक है, क्योंकि यहां पर OH नहीं दिया हुआ है, फिर दोबारा से उन्होंने टोटोमेरिज्म कर रखी है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस चलेंगे तो रुको रुको रुको, इसमें क्या करना है कि हमें इसको सेम टू सेम रख के OH और इधर चला गया ये पॉजिटिव चार्ज मेंबर की रिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास वो हमने कनेक्ट कर दिया, हाँ भाई जरा देखो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यहां पर जब ये कनेक्ट होगा यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर OH होगा, टोटोमेरिज्म करोगे तो क्या करोगे उधर डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड, ठीक है करेक्ट आंसर होगा आपके पास। आपको क्या करना है कि ये वाला पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है, और उसके बाद जो कार्बोनिल होगा मतलब जो OH होगा वापस उसको टोटोमेराइज़म करना है इस वाले डबल बॉन्ड के साथ जो हम यहां पर बना रहे होंगे, ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बहुत सही ठीक है। नहीं ए नहीं होगा, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इसका करेक्ट आंसर B4 भालू होगा बेटा, B4 भालू। नहीं 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 नहीं, बस थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन नहीं है भाई, देखो समझने कोई करना कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो डबल बॉन्ड, ये ऊपर चला गया तो OH है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो ये कनेक्ट हो जाएगा 6 मेंबर की रिंग बनेगी और यहां पर डबल ऑलरेडी था। अब हमें क्या दिया है कि किसी भी प्रोडक्ट में OH तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब क्या है कि उसकी इनोल फॉर्म ना देकर कीटो फॉर्म दे रखी है, तो उस OH को हमने फिर से किसमें कन्वर्ट कर दिया कीटो में, और इस डबल बॉन्ड को किसमें कर देंगे हम सिंगल बॉन्ड में, ठीक है बहुत बढ़िया क्लियर। अब जरा बढ़ते हैं भाई आगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन फॉर द फॉलोइंग एल्काइल्स, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, किसी भी रिएक्टेंट के पास पहले से जितनी ज्यादा एनर्जी होती है जलाने के बाद वो उतनी एनर्जी देता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी हो देगा वो उसी को हम क्या कहते हैं हीट ऑफ कंबशन देगा। हमें बेसिकली ये देखना है कि इन एल्कीन में से कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। जरा ध्यान से देखो, ये एक बल्कि ग्रुप है और बल्कि ग्रुप इसका जो दूसरी साइड है यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर बल्कि ग्रुप और इसका यहां पर बल्कि ग्रुप, सारे बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्या हो गए ट्रांस है अपोजिट है। ध्यान से देखो, ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, लेकिन इस बल्कि ग्रुप का ये वाला बल्कि ग्रुप क्या हो गया सिस मैनर में मतलब पास में है, और यहां पर देखोगे
ये बल्कि ग्रुप और ये भी बल्कि ग्रुप एक साइड में ही आए, और इसके एक साइड में कौन सा आया, ये वाला बल्कि ग्रुप। तो सबसे ज्यादा बल्किनेस कहां पर आया, सी में। सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कहां पर आया, सी में। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हुआ, सी। तो जलाने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, सी। समझ में आया। ए में अगर आप देखोगे सारे एक दूसरे से ट्रांस हैं, यानी सारे के सारे स्टेबल हैं। अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम, और जलाने के बाद एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी इसका, ए होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है, डी आ रहा है, गलत है बेटा। ये अनस्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा देगा, अगर ये अनस्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा देगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, जो बच्चे सी कह रहे हैं वो गलत है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक है। आपको बताया कि अगर मैं निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम कोई भी कैटलिस्ट लेता हूं, इधर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर, CH3, CH2 और CH3। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर मुझे यहां पर फिशर प्रोजेक्शन में बनाना हो तो मेरे पास ये कौन सी एल्कीन है बेटा जी, ट्रांस। क्या है, ट्रांस। एडिशन कर रहा हूं मैं D2 का। आपको पता है कि भाई सिन एडिशन होता है, कैट रूल अगर हम यूज करेंगे, CAT। तो प्लीज समझना, अगर आपने एल्कीन को ट्रांस से, सिस से ट्रांस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी से क्या कर दिया, सिन कर दिया, तो यहां पर इवन चेंज हुए कि नहीं हुए, इवन चेंज, दो चेंज हुए, तो प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थ्रीओ ही रहेगा। और थ्रीओ में क्या होता है कि दोनों आपके पास जो ग्रुप है तो होते हैं वो अपोजिट साइड चले जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो यार, हाँ या ना, बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा देखो भाई, अगर ये वाली एल्कीन आपके पास सिस है और ये आपने सिन लिया, ठीक है, तो जरा देखो आपने क्या काम किया कि इसको तो सिस का सिस रखा, लेकिन एंटी की जगह पर क्या कर दिया, सिन कर दिया, एक चेंज किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो। और एरिथ्रो में क्या होता था बेटा जी, दोनों डी एक साइड जाते थे। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा, हाँ या ना का जवाब दो जल्दी से चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सीखते जा रहे हो। अब जरा देखो बेटा जी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं, नोट कर लेना पॉइंट। जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो एंटी एडिशन होता है। कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन हुआ। जरा देखो भाई, अगर मेरे पास, मुझे कैट रूल के हिसाब से भी यूज करना है, जैसे मान लो ये मेरे पास Cl2 है, अभी तो कोई कैट रूल यूज होगा नहीं, क्योंकि ना तो ये सीस है ना ये ट्रांस है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक पाई बॉन्ड टूटा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ऐसे लगा देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, एक Cl इधर लगा, इधर CH2 Cl, एक इधर लग जाएगा, काम खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखो भाई, इधर CH3 CH2 है, अगर यहां पर दे रखा होगा Cl2 गैस एट 773 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर। प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा, जब आपके पास इसके अंदर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनस्टेबल है कि नहीं, बोलो यार। और जब हम बेटा जी इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, स्टेबल। कोई अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ली चैटलर बाबा उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर को लो रखना है। तो यहां पर अगर या तो नॉर्मल टेम्परेचर लिखा हो या लो टेम्परेचर लिखा हो, तब आप एडिशन रिएक्शन करोगे। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन तीनों देखने पर एक जैसी लग रही है। देखो तीनों रिएक्शन देखने पर एक जैसी लग रही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन एडिशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा, जो कहते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और सीएल लग जाएगा, क्या बनेगा, इधर CH2 और इधर CL और इधर CH2, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, मेंटेन रहेगा। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा यार, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा बेटा, हां ना का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, आगे जरा देखो, अगर क्लोरीन के साथ लिखा हुआ एक्वस, क्लोरीन के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा जी, एक्वस लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि ये क्लोरीन है, ये मत समझना कि ये क्लोरीन है, एक्चुअल में ये HOCl की बात है। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन से ज्यादा होती है, और इधर हम नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर हम मार्कोनिकोव रूल का हिसाब देखेंगे, मार्कोनिकोव रूल का हिसाब देखेंगे, और मार्कोनिकोव बाबा क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी वहां पर नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। तो देखो OH- कहां पर जाएगा, बीच में, और Cl कहां जुड़ेगा, राइट में। प्लीज आपको मैं बता रहा हूं कि इतना बेवकूफ बनाएगा NTA, लेकिन NTA से बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है।
क्योंकि अब आप समझदार होते जा रहे हो, गधों की कैटेगरी से बाहर निकलते जा रहे हो। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं बेटा। डिहाइड्रेशन E2 मैकेनिज्म होता है यदि एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो, अगर कोई एल्कोहल 3 डिग्री है या कहीं पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के चांसेस है तब वो E1 मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि सारे डिहाइड्रेशन E2 मैकेनिज्म के हो, E1 वाले भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, सेम टू सेम रिएक्शन क्या होगी बेटा, देखो जरा तीनों रिएक्शन देखने पर एक जैसी है। एक पर कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा तो मतलब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर तो रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, इधर क्या होगा CH2, एक बीआर इधर जोड़ो ना, एक बीआर इधर जोड़ो। अब जरा इधर देखो, 400 केल्विन टेम्परेचर हाई दिखाया हुआ है ब्रोमीन के लिए, अगर टेम्परेचर बेटा जी हाई दिखा हुआ होगा तो आपको पता है कि भाई ये तो डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, इस CH3 पर लग जाएगा CH2 और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर बीआर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बोलो यार। अब देखो बीआर एक्वस का मतलब क्या हुआ, HOBR, आप लोगों को पता है कि एक्वस बराबर लिखते ही वो बेवकूफ बनाएगा आपको, बनना नहीं है, लेकिन HOBR का मतलब है हाइपोब्रोमस एसिड। तो यहां पर आप क्या करोगे सर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मार्कोनिक रूल लगाओ, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, यहां पर OH लगेगा और बीआर पॉजिटिव कहां पर लगेगा, राइट हैंड साइड में। तो क्या बना हमारे पास, CH3 CH और इधर क्या लगेगा OH और इधर क्या लग जाएगा बेटा जी, इधर क्या लग जाएगा CH2Br लग जाएगा, CH2Br। क्लियर है कि नहीं है, बोलो यार, हाना का जवाब दीजिए भाई जल्दी से चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में हाना का जवाब दो जल्दी से, क्लियर होना चाहिए। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरे पास एल्कीन है, ये मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, यहां पर मैंने ए और बी दो टाइप के प्रोडक्ट बनाए हैं, मुझे बताना है ए बनाया बी बना, क्या बताना है ए बनाया बी बना। प्लीज देखो, ये मेरे पास ट्रांस एल्कीन है, फिर इसी एल्कीन है कि नहीं, और मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि इस बार एडिशन जो होगा क्लोरीन का वो एंटी मैनर में होता है, अपोजिट मैनर में होता है, तो एडिशन एंटी है। कैट रूल क्या कहता है, कैट रूल क्या कहता है कि अगर एल्कीन सिस है एडिशन एंटी करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3O बनेगा कि नहीं बनेगा, और 3O का मतलब क्या कि दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड जाएंगे। तो मैंने यहां पर जब दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में जोड़ूंगा तो ये तो मेरे पास एरिथ्रो है और ये मेरे पास 3O है बेटा, ये क्या है मेरे पास एरिथ्रो, ये मेरे पास क्या है 3O, तो ए और बी में से क्या बनेगा, इधर ए और बी में से क्या बनेगा, बी बनेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब जरा देखो, अब जरा देखो भाई, इधर मेरे पास जो एल्कीन है वो क्या है, ये ट्रांस है, ये मेरे पास क्या है ट्रांस है, Cl2 है। तो प्लीज जरा देखो, एडिशन तो वही रहेगा मैकेनिज्म का एंटी, आपने एडिशन तो वही रखा एंटी, एल्कीन चेंज कर दी ट्रांस, एक चेंज करने का मतलब है ओड चेंज कर देना, ओड चेंज का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट चेंज होगा, सर इस बार 3O नहीं एरिथ्रो बनेगा, और एरिथ्रो बनने का मतलब क्या हुआ कि दोनों सीएल एक साइड लगेंगे। जल्दी से बोलो ए और बी में से कौन आएगा, ए और बी में से कौन आएगा, आंसर क्या आएगा ए, बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा ए। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको बेटा जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, रिएक्शन विद HX टाइप ऑफ एसिड, रिएक्शन विद HX, देखो बेटा मार्कोनिकोव रूल के चक्कर में नहीं आना है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अगर मैं HCl बनाता हूं तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, देखो इधर 1 डिग्री, तो जब 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा तो Cl को यहां जोड़ देना, चुपचाप आंसर क्या आ जाएगा बेटा CH3 CH और इधर आएगा CH3 Cl, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेम टू सेम यहां पर भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव पार्ट बीच में जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3 CH इधर Br और CH3, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मार्कोनिकोव रूल के चक्कर में मत आ जाना यहां पे, गलत कर दो क्या ATJ में, क्वेश्चन आया होगा दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखो भाई आगे ये क्वेश्चन देखो, ITJ में आया क्वेश्चन है, CH3 मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज फ्रॉम द फॉलोइंग, IIT 2020 का क्वेश्चन है, मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाते हैं यहां पे। जरा देखो इस डबल बॉन्ड के अलोंग इधर भी कार्बोकेटायन बन सकता है, इधर भी कार्बोकेटायन बन सकता है, लेकिन अगर मेरे पास ये CH3 है CH है और इधर में CH2 और इधर में CH पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या कर दिया मैंने CH एंड देन CH3 और CH3, ये मैं कार्बोकोटाइन बनाता हूं पहले, यहां से मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया क्योंकि 2 डिग्री है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी CH3 CH2 CH2 एंड देन C एंड देन CH3 CH3 3 डिग्री कार्बोकोटाइन बना कि नहीं बना, 3 डिग्री कार्बन कार्बोकोटाइन बना, तो Br- यहां पर जाके लग जाएगा, चिपक जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास, करेक्ट आंसर होगा बी, ना तो यहां पर
आपका मार्कोनिकोफ रूल लगेगा ना एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, सारे रूल फेल हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, ये मत सोचना कि सेम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं प्रूव कर रहा हूं कि आईआईटी 2020 का क्वेश्चन है, इसीलिए जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की वो क्या थी कि मार्कोनिकोफ रूल के चक्कर में आना ही नहीं है, स्टेबल कार्बोकोटाइन बना के देखो बस वो देखो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी आंसर करेक्ट होगा। अब जरा देखते हैं भाई एंटी मार्कोनिकोफ खराश इफेक्ट, इसमें आपको क्या करना है देखो, प्लीज प्लीज समझने कोई करना। एल्कीन दे रखी होगी आपको, एल्कीन दे रखी होगी आपको, या तो यहां पर लिखा होगा परोक्साइड या लिखा होगा ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर परोक्सी लिंकेज होगा। अब परोक्सी लिंकेज है तो भाई यहां पर खराश इफेक्ट लगेगा, लेकिन नोट पॉइंट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से बनेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी एसिड है चाहे वो HCl हो, HF हो, HI हो, HBr हो, HBr हो, उसमें खराश इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr शो करता है। तो HBr अगर शो करेगा तो ये हमारे पास A या A और B में से कौन बनेगा बेटा, A और B में से, करेक्ट आंसर दो, A और B में से कौन बनेगा, A बनेगा, और इसको मारो गोली। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि बेवकूफ बनाने के लिए आईटी जेई ने एक बार एक क्वेश्चन दिया था, क्या कहा कि ये एल्कीन है, ये HCl है, यहां परोक्साइड है। बच्चों ने सोचा कि यार HBr की जगह HCl ही तो लिया है, लेकिन भाई सारी रिएक्शन कंडीशन तो वही है, लेकिन HCl खराश इफेक्ट नहीं दिखाता, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम कहेंगे कि ये नहीं बनेगा, इसको मारो गोली, और ये स्टेबल कार्बोकैटायन के हिसाब से ही रिएक्शन चलेगी। तो सेकंड वाले में जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ध्यान रखना है, बेवकूफ नहीं बनना है किसी भी एंगल से, बी आंसर आएगा बेटा जी। आगे बढ़ते हैं भाई आगे, बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट प्लीज समझना, बेयर्स टेस्ट का जो रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट, वो होता है ठंडा KMnO4 इन बेसिक मीडियम। क्या बोला मैंने, ठंडा KMnO4 इन बेसिक मीडियम, और ध्यान रखना कि जो एडिशन होता है वो दोनों डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों साइड OH जुड़ते हैं। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड के दोनों साइड, मतलब एक डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी OH इधर भी OH, लेकिन जुड़ने का जो मैनर है वो सिन है। कैसा है वो, सिन एडिशन है। तो प्लीज समझना, अगर मेरे पास ये एल्कीन है और मैं यहां पर कैट रूल फॉलो करता हूं, मुझे पता है कि एल्कीन मेरे पास सिस है, एडिशन मैंने क्या किया, सिन कर दिया, तो मैंने इन दोनों में एक चेंज किया, ओड नंबर में चेंज हुआ, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3O से एरिथ्रो बन जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। एरिथ्रो में क्या होता है कि दोनों OH एक साइड में दिखाते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH OH और H और H, ये बन जाएगा। नॉर्मली तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो ऐसा लिखेंगे। अब जरा देखो बेटा, यहां पर अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, प्लीज समझना, और आप सिन एडिशन करते हो, तो आपने एल्कीन को भी चेंज किया ट्रांस में, एडिशन को भी चेंज किया सिन में, इवन नंबर चेंज हो गए, प्रोडक्ट 3O रहेगा, और प्रोडक्ट 3O रहेगा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड में जाएंगे। देखो नॉर्मली अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो फिशर प्रोजेक्शन पूछ ले, वो फिशर प्रोजेक्शन में RF कॉन्फिगरेशन पूछ ले, तो आपको क्या करना है कि भाई इधर OH और एक इधर OH, बाकी जो H है उसको ऐसे लिख देना। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। एडिशन सिन होता है बेयर्स रिएजेंट में। अब मैं आपको कहानी बताऊंगा भाई, नेक्स्ट हाइड्रोक्सीलेशन बाय ओस्मियम टेट्राऑक्साइड आजकल फैशन में चल रहा है, ये बेयर्स रिएजेंट की जगह पर ये पूछा जाता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम में तुम्हें पता है कि चाहे फोटो तुम बेटा जी ओप्पो फोन से ले लो, आईफोन से ले लो, सैमसंग से ले लो, फोटो चेंज हो सकती है, ठीक है भाई, लेकिन आपकी शक्ल थोड़ी ना चेंज रहेंगी भाई, उस पर अगर 12 बज रहे तो 12 ही बज रहेंगे ना, वो तो वैसी की वैसी रहेगी। तो यहां पर क्या रखा है देखो प्लीज, बेयर टेस्ट वाली सेम रिएक्शन है, डिफरेंस क्या है, रिएजेंट डिफरेंस है। रिएजेंट वहां पर क्या लिखा होता है, कोल्ड KMnO4 इन बेसिक मीडियम, यहां पर पहले स्टेप में OSO4 और H3O पॉजिटिव, बस इतना लिखा होगा, सेम रूल लगेंगे। अगर आपके पास ये ट्रांस एल्कीन है तो एडिशन भी कैसा होगा, एडिशन भी क्या होगा, सेम वही होगा, सब कुछ सेम, एडिशन कैसा होगा, सिन होगा, और दोनों साइड में OH ही जोड़ना है। तो ये आप अपने आप करेंगे, ये आप अपने आप करेंगे बेटा, ये आप अपने आप करेंगे, समय बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं, ओजोनोलाइसिस कर लेते हैं भाई। अब ओजोनोलाइसिस में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई अब जरा देखो, यहां पर आपने क्या काम करना है कि O3 के पास ना 3 ऑक्सीजन है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना, एक ऑक्सीजन इसको देना, एक ऑक्सीजन इसको देना, और एक ऑक्सीजन इसके खाते में। तो यहां पर दो कार्बन का क्या बना, एल्डिहाइड CH3CHO+ के, इधर एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO, और यहां पर क्या बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, क्या बना बेटा, ZnOH का होल ट्वाइस बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा देखो आगे,
सेम टू सेम आपको क्या करना है कि जिंक डस्ट लिया, H2O लिया, ये बोन तो एक इधर गया, ये क्या बना कीटोन, इधर क्या बना दो बोन का एल्डिहाइड, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी CH3 सी डबल बोन ओ सी एस थ्री प्लस के सी एस थ्री। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना का जवाब जल्दी से बताओ भाई चैट बॉक्स में आंसर। अंजलि सिंह के हमने हाथ मत जोड़ो नालायक, आंसर दो मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो ठीक है। अब देखो आगे भाई, रिएक्शन विद हॉट KMnO4H+ इस बार ठंडा नहीं है, हॉट बन के आया है, बाल बाल सेट करके आया, ठीक है। हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, पहले वो ठंडा था अब गर्म आया है, मतलब और आग लगा देगा और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा देगा। प्लीज देखो क्या करना है, जब ये दिया होगा तो आपने इस डबल बॉन्ड को हटाना है और दोनों साइड जितने भी कार्बन होंगे उनके हिसाब से पहले एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाओगे, पहले एल्डिहाइड बनाओगे, और यदि एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना देना, और यदि कीटोन बना तो कीटोन को एज इट इज छोड़ के क्या बना दोगे, एज इट इज छोड़ देना। प्लीज समझना, इधर पहले क्या है दो कार्बन का सिंपल सिंपल, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ेगा उधर तो एल्डिहाइड बनेगा, इधर भी एल्डिहाइड बनेगा, अगर एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो, क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COS दो कार्बोक्सिलिक, कार्बन नंबर सेम रहेंगे। अब जरा देखो, अगर मैं मान लो इस बॉन्ड को यहां तोड़ता हूं, एक ऑक्सीजन इधर लगाता हूं, एक ऑक्सीजन इधर लगाता हूं, तो जरा देखो CH3 COCH3 तो इधर वाले स्टेप में क्या बनेगा कीटोन। तो मैंने कहा कीटोन का कुछ मत करना, कीटोन को वैसे के वैसे लिख देना बेटा, कीटोन को वैसे के वैसे लिख देना। इधर क्या बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बनेगा एसिड। ऐसे क्वेश्चन पता है कब आते हैं, जब वो कहता है कि एक रिएक्टेंट था हमने इसके साथ रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बना ए और बी, प्रोडक्ट बना ए और बी, ए हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, बी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, बताओ वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या क्या होंगे, एक्स और वाई क्या क्या होंगे। सुनो मेरी बात, अगर ये कीटोन है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप है इसके अंदर, और CH3COH ग्रुप है एसिड है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, प्लीज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब जरा यहां पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ये बॉन्ड तोड़ा, इधर एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से आगे कहां लेके जाएंगे, एल्डिहाइड से आगे क्या लेके जाएंगे एसिड, तो दो कार्बन का एसिड क्या होता है CH3COOH, इधर एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता है HCHO, इसका एसिड क्या होगा HCOOH। मैं आपको बताऊं ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा और ये टूट जाएगा H2O में और CO में, H2O में CO2 में। आपने रिडक्शन उसमें रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस CO को रिड्यूस कर देगा तो यहां पर क्या बनाएगा CO2। तो आपको फाइनली यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आप इसकी जगह पर क्योंकि ये भी ये इसमें हो जाएगा, ये अनस्टेबल है तो CO में कन्वर्ट होगा, CO का ये फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा तो यहां पर क्या बनेगा CO2 प्लस के H2O। तो ये थोड़ी सी अलग सी रिएक्शन है बेटा, सेम टू सेम, इसको याद कर लेना, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, मैकेनिज्म के ऊपर जाना ही नहीं है, मैकेनिज्म बहुत बड़ा है इसका, लेकिन छोड़ो उस बात को, ठीक है, जब अपने पास पढ़ी लिखी घड़ी आ रही तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में रिएजेंट ये है CaHg CH3CO होगा होल ट्वाइस और यहां पर, ठीक है भाई, दूसरे स्टेप में NaBH4। ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन ऑफ वाटर करना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव हिसाब से कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है आपने। अब जरा देखो यहां पर मैंने बताया कि अगर मैं वाटर जोड़ता हूं तो भाई नेगेटिव पार्ट OH जो है बीच में जाएगा और इधर H जाएगा, तो प्लीज देखो कम्स फ्रॉम वाटर, कहां लिखा मैंने कम्स फ्रॉम वाटर, यहां से आएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा कम्स फ्रॉम NaBH4। अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली तो सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। अब जरा देखो आगे, मान लो ये क्या था, अच्छा ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, प्लीज समझना यहां। इसमें क्या करना है कि अगर आपको एल्कीन दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखी है एल्कीन दे रखी है, आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, एडिशन ऑफ वाटर ही करेंगे, लेकिन देखो क्या है कि जो OH आता है वो यहां से आएगा और जो हाइड्रोजन आएगा वो यहां से आएगा। इस टाइप की रिएक्शन में करा चुका हूं कि जब मैंने B2D6 लिया था तो आइसोटोप वाला गेम खेल सकता है NTA वाला JE वाला, आपको बेवकूफ नहीं बनना है बस बेटा, ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी ना इसमें ना पहले वाले में।
जल्दी से बताओ बेटा, चैट बॉक्स क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स यार कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं? हां ना का जवाब तो जल्दी से चैट बॉक्स में। ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई, आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले आप पहले स्टेप पे जाओगे, B2S6H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करोगे और एडिशन ऑफ वाटर करोगे। ये कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? जीरो, और इस पर एक है। तो यानी जब मैं वाटर ऐड करूंगा एक तरीके से H+OH-, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि इस बार OH वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी, ठीक है? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3 और CH3, और इधर H, इधर C आएगा, और देन इधर H आएगा और इधर आएगा OH, बहुत बढ़िया, और हो जाएगा CH2 और CH3, ठीक है? ये बन गया। दूसरे में क्या है? डाइल्यूट एस्प्रेसो फॉर एसिडिक मीडियम है, तो डिहाइड्रेशन कर देंगे, गर्म कर रखा है बेटा, डिहाइड्रेशन कर देंगे, गर्म कर देगा तो क्या होगा? OH माइनस जैसे यहां से आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, रीअरेंजमेंट देखना है। तो जैसे ही आप OH हटाओगे यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो यहां पर H इधर चला जाएगा, तो ये CH2 बन जाएगा, यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर आप यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो और यहां से भी हटा सकते हो। अगर यहां से हटाओगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और बनने वाली एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो आप बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ना आंसर ए होगा ना आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा डी, बहुत बढ़िया। जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए डी, क्योंकि देखो समझना, पहले यहां पर H इधर OH जाएगा, ठीक है? OH हटा, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट हुई, हाइड्रेट इधर आया, कार्बोकैटायन इधर बना। अब इसके बाद ऑप्शन बहुत सारे हैं हाइड्रोजन हटाने के, तो हाइड्रोजन बेसिकली वहां से हटेगा जहां पर आपके पास नंबर ऑफ मतलब बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया हुआ है हमें? हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब आपको क्या करना है? एल्कीन का हाइड्रेशन करना है, एल्कीन में पानी डालना है जब आपने डाइल्यूट H2SO4 ले रखा हो। उसके लिए प्लीज एक बात ध्यान रख लेना बेटा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अरे क्या दिया हुआ है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है बेटा, बिल्कुल सही बात है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे तो देखो, अगर मैं कार्बोकैटायन इधर बनाता हूं तो OH- इधर जोड़ना पड़ेगा, और बीच में बनाता हूं तो OH- इधर जोड़ना पड़ेगा। इधर कार्बोकैटायन प्राइमरी बनेगा, इधर 2° बनेगा, तो 2° कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो OH जो जाएगा वो बीच में जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH OH और CH3। यहां पर आप सेम टू सेम क्या करोगे? 2° कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहां पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट होगी, और देन आपके पास जब रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा, OH ग्रुप यहां पर लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 COH, एक CH3 पहले से, इधर क्या चला जाएगा बेटा जी? CH, इधर क्या जाएगा? CH3, और इधर क्या हो जाएगा? CH3। जल्दी से बताइए भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सेकंड वाली रिएक्शन का? नहीं हुआ तो मैं समझाऊंगा इसको, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हां ना का जवाब दीजिए भाई, यस और नो। हां बहुत बढ़िया, 3° अल्कोहल बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी बेटा यहां पे। आगे बढ़ते हैं भाई, आईटी जेई 2019 का क्वेश्चन है, यहां पर H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है। H3O पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ भाई? H3O पॉजिटिव का मतलब है आपने एडिशन ऑफ वाटर किया, एसिड की परसेंट क्लियर रखी है, आपको पता है कि यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगी। पहले आपने क्या काम किया? यहां पर 2° कार्बोकैटायन बना लेना, मतलब 5-member की रिंग बनाई आपने, ठीक है? इधर CH3 जुड़ा हुआ था, इधर आपने CH, इधर आपने CH3, और इधर पॉजिटिव चार्ज, ये आपने बेटा जी बनाया। अब आपने क्या काम करना है इधर कि भाई रिंग एक्सपेंशन करनी है, और जैसे ये रिंग एक्सपेंड होगी तो 6-member की रिंग बन जाएगी, 5 से 6-member की बन जाएगी, और जिसमें 2 CH3 अलग अलग लगेंगे, और यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। और जैसे यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, आप उसको हीट करोगे तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो आ जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर। तो यहां पर ABCD, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के दूर दूर लगेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी तो नहीं है,
ध्यान रखना सी तो नहीं है, सी नहीं है बेटा, ए आंसर होगा बेटा, ए होगा, बिल्कुल बढ़िया, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अरे यहां पर जब जाओगे ना तो आप ऐसे बनाओगे, सिक्स मेंबर की रिंग, इधर सी एस थ्री, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर सी एस थ्री, और यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा, इधर सी एस टू भी होगा। अब आपको पता है कि अगर इधर हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्कीन यहां पर बनेगी, उधर हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्कीन यहां पर बनेगी, लेकिन उधर वाली का तो कोई ऑप्शन दे भी नहीं रखा, इधर वाली का दे रखा है, तो इसी को बना दो भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए फोर अल्लू अर्जुन आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो भाई इपोक्सीडेशन रिएक्शन, इपोक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करना है प्लीज समझ लेना, अगर आपको सिल्वर दे रखी है और वाटर दे रखा है, प्लीज समझने कोई करना, ऑक्सीजन दे रखा है, तो अगर सिल्वर की रिएक्शन में ऑक्सीजन से कराता हूं तो यहां पर बनेगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन होता है एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा जी, एक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p4, आपको पता है कि भाई p में चार इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे, तो हर ऑक्सीजन के अंदर जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि उसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ऐसे एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो इपोक्सीडेशन का मतलब है इपोक्साइड का बनना या साइक्लिक ईथर का बनना। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यार बेटा, मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आज, इतने आप सेल्फ स्टडी में भी नहीं कर पाते रिवीजन, ठीक है, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी क्लियर, कहीं कोई डाउट भी नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा फोकस बना के रखिए, आगे चलते रहेंगे। अब जरा देखो भाई, अगर मैं कहता हूं MCPBA, इसका मतलब होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा कि मेटा पे क्लोरीन, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर परोक्सी लिंकेज, जहां पर परोक्सी लिंकेज आ गया वो चीज अनस्टेबल हुई, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा जी, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड में, यहां पर COH और इधर CL पर एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा यहां पर जाएगा, इसके बाद दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, तो फाइनली इधर भी क्या बनेगा बेटा जी, साइक्लिक ईथर। तो प्लीज ध्यान रखना, दो टाइप की ऐसी रिएक्शन है जिनमें साइक्लिक ईथर बनती है, या तो सिल्वर होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या होगा MCPBA। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए से बी बना, बी से सी बना, बताओ सी क्या था बी क्या था, तो ये सीक्वेंस रिएक्शन में शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, इनको प्लीज अच्छे से कर लेना बेटा। बच्चा पूछ रहा है कि सर रिंग एक्सपेंशन कब कब होगा, जब चार मेंबर की रिंग के पास ऑप्शन है पांच बनने का तो एक्सपेंशन होगा, पांच के पास ऑप्शन है छह बनने का तो एक्सपेंशन होगा, अगर छह के बाद सात बनना चाहती तो नहीं करना, क्योंकि सात वाली मेंबर की रिंग तो हाईली अनस्टेबल होती है, सात वाली मेंबर को अगर आठवें में करना है तो दो भी नहीं करना, क्योंकि सात ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आठवें के, सात वाली को कंप्रेस कर देते हैं छह में अगर ऑप्शन होगा तो, ठीक है, पर यह बात ध्यान रखनी है, चार को पांच में, पांच को छह में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन छह को सात में आठ में नहीं करते, बस ये बात ध्यान रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है भाई, नया टॉपिक है, एल्काइन वाले पार्ट पर आ गए हैं हम लोग, लैब मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है, लैब मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप क्या समझोगे भाई, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का सोल्ट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का सोल्ट है, तो यहां पर कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगी और सी टू पर टू नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। हम लोग वॉटर के बारे में जानते हैं कि वॉटर के दो कॉम्पोनेंट है H प्लस और OH माइनस, अब मुझे बताओ ये CA2 प्लस किससे प्यार करेगा, OH माइनस से या H प्लस से, भाई प्यार तो अपोजिट वाले अट्रैक्शन में होता है ना भाई, जो आजकल कल्चर चल रहा है शादी कौन करेगा, लड़का लड़की के साथ शादी करता है, ठीक है भाई, गधा गधी के साथ करता है, तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव किसके साथ करेगा, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव किसके साथ करेगा, नेगेटिव के साथ, तो भाई यहां पर क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बना के नहीं बना, और ये जो C2 नेगेटिव इस पर नेगेटिव चार्ज है इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तो ये H प्लस के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा बेटा जी, C2H2, ये इथाइन बनी कि नहीं बनी, बोलो यार हाँ ना का जवाब दीजिए, थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है बेटा जल्दी। मैंने जिन बच्चों को प्रयास बैच में या एडवांस बैच में कहीं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करवाई होगी तो वहां पर एक बात जरूर बोली होगी कि बेटा सिल्वर के क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो पीपीटी बनाते हैं, और जिस रिएक्शन में पीपीटी बनने के चांसेस होना सबसे पहले वो बना दो, अगर कहीं भी यहां पर क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और बेटा जी छह एटम दिए रखे हमें क्लोज के सिल्वर के, तो हम क्या करेंगे, ये सीएल और छह एजी को मिलाकर छह एजीसीएल बना देंगे, छह एजीसीएल बना देंगे और प्लस इस सीएच को इस सीएच के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये भी C2H2 इथाइन बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा बेटा जी, इथाइन बन जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी, कोई बकवास नहीं करनी, लैब मेथड है दोनों के दोनों, बस रिएक्शन को याद कर लेना,
क्या रिएक्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी लैब मेथड है। ठीक है, तो ये याद रख लेना बेटा। आगे बढ़ो भाई, फ्रॉम मिसिनल एंड जैम डाई हैलाइड, कुछ नहीं करना है। मान लो एल्कोहलिक QH लिया, इस CL हटाओगे, यहां से H जाएगा, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा यहां पर, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, कि सर यहां पर बना रहे हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड और इधर CHCl, भाई एक CL जो है ना वो खत्म हो गया। फिर हमने यहां पर एल्कोहलिक QH ना लेकर सोडामाइड ले रखा है NaNH2, ऐसा क्यों किया सर, एल्कोहलिक QH क्यों नहीं कर दिया। तो देखो प्लीज, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड था ना CH वाला या CL वाला, ये sp3 हाइब्रिड था, ये भी क्या था sp3 हाइब्रिड था। जब sp3 बॉन्ड होता है तो उसमें s कैरेक्टर कम होता है, s कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है और बॉन्ड को तोड़ना आसान रहता है, इसीलिए नॉर्मल बेस भी उसको तोड़ सकता है। लेकिन जब हम यहां पर देखोगे तो ये वाला कार्बन भी क्या है sp2 और ये वाला कार्बन भी क्या है sp2, इसमें s कैरेक्टर बढ़ गया, s कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गए ना। अब तोड़ने के लिए छोटा मोटा बेस से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की नीड पड़ेगी, और यदि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमने लिया NaNH2, तब यहां से ये CL और ये H जाएगा और एल्काइन क्या बन जाएगी CH3C CCH। समझ में आई बात। सेम यहां पर भी मैंने ऐसे किया, जैसे जैम डाइहाइड लिया, यहां पर मैं विशन ले रहा हूं, इस क्लोरीन के साथ इधर से हटाया तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और इधर CL, अगली बार सोडामाइड ले रहा हूं तो इधर CL इधर H चला जाएगा तो फिर मेरे पास वही बन जाएगा। रीजन सेम ही रहेगा कि हमने सोडामाइड का प्रयोग क्यों किया यहां पर, रीजन सेम ही रहेगा कि हमने सोडामाइड का प्रयोग क्यों किया बेटा। कहां चला गया H2, ठीक है डन है बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो यार, हां ना का जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे क्या है, फ्रॉम टेट्रा हेलो एल्केन्स। टेट्रा हेलो एल्केन्स में क्या है कि जिंक का एक मोलिक्यूल इधर जाएगा, जिंक का एक मोलिक्यूल इधर जाएगा। आप टेट्रा हेलो एल्केन की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराना, इधर ZnCl2 इधर ZnCl2, दो ZnCl2 के मोलिक्यूल बन जाएंगे और बीच में तीन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहां पर क्या बनेगा भाई CH3C CCH और प्लस के ZnCl2 के दो मोलिक्यूल। आई नो थोड़ा सा ज्यादा तेज हो रहा है बेटा, लेकिन आई एम वेरी सॉरी क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी, इसीलिए थोड़ा स्पीड भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो हाँ या ना का जवाब बेटा। बहुत बढ़िया भाई, अब देखो भाई, रिएक्शन विद RMGX फॉलोड बाय RX, प्लीज समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास एल्काइन है CH3Mg में, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल यानी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करेंगे CH3 लोन पेयर नेगेटिव और Mg पॉजिटिव Br। ठीक है, आपको पता है कि ग्रिंगराड रिएजेंट जब कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्केन बनाता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं, फोन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन या फोन वाले ग्रुप के जो नीचे वाले मेंबर्स होते हैं जैसे सल्फर सिलीनियम फास्फोरस, उनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन, वो सब एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन हो वो सब एक्टिव हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या करेगा, CH3Mg के साथ कंबाइन होगा तो मीथेन बन जाएगा, और ये जो बना RC CCC लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर पीछे से अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन बनेगी, CL नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर जो B बनेगा बेटा जी वो क्या बनेगा, B बनेगा RC CCC और इधर CH3। इस टाइप की सीक्वेंशियल रिएक्शन पूछी जा सकती है। इस रिएक्शन में हमने क्या किया, छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बनाई, टर्मिनल एल्काइन से हमने वो बीच वाली एल्काइन बनाई। बोलो यार, फोन का मतलब होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है भाई, फोन का मतलब होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब जरा देखिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन जरा देखो, रिएक्शन विद HX टाइप ऑफ एसिड। आपको मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, या तो आप HCl लेंगे या HBr लेंगे, या तो आप HCl लेंगे या HBr लेंगे। जरा देखो, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या एक है, इधर एक भी नहीं है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। तो Cl- कहां पर जाएगा बेटा, Cl- जाएगा बीच में, तो यहां पर मैं क्या जोड़ूंगा Cl, और भाई H+ कहां पर जाएगा इधर। तो क्या ये क्लियर हुआ, लेकिन हमें यह पता है कि इस वाले रिएक्टेंट के पास अभी भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो मतलब ये आगे और रिएक्शन करेगा, और यदि ये और रिएक्शन करेगा तो HCl का एक और मॉलिक्यूल आएगा और Cl और पॉजिटिव, Cl माइनस कहां पर जाएगा फिर से, उस वाले कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये Cl माइनस कहां पर जाएगा,
इसके पास H प्लस कहां पर जाएगा, यहां पर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C, इधर कल्लू, इधर कल्लू, इधर CH3। सेम यही रिएक्शन HBr भी दे सकता है, इधर भी भालू लगेगा, इधर भी भालू लगेगा। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IIT 2019 में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, कहा कि पहले हमने DCl लिया, DCl का मतलब क्या होता है, ड्यूटेरियम क्लोराइड, ठीक है, D4 डाकू, मत समझना इसको, अब प्लीज समझना बेटा, देखो ये हमारे पास CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H है, जब मैं यहां पर D पॉजिटिव और Cl माइनस समझूंगा तो Cl कहां पर जाएगा, बीच में, D कहां जाएगा, इधर, तो यहां पर क्या बना, CH3 C, इधर लगा D, तो इधर लगा C, कहां लग गया, DCl और डबल बॉन्ड CH और D लग गया इधर। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया मैंने, DI का मतलब क्या होगा कि D पॉजिटिव, I नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, तो I लग जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CDICH2। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान से देखो, ABCD4, B4 बंदर, B4 भालू, B4 बम्बई, B4 भगोड़ा, ठीक है, तो B वाला आंसर सही होगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे आयोडीन भी और क्लोरीन भी दोनों लगे हुए हैं, राइट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और दो ड्यूटेरियम लगे हुए हैं, बिल्कुल यही बना। हाँ ना का जवाब दीजिए भाई, करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार, बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से लिखिए, क्रिस्टल क्लियर, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। B4 बैटल ग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके बेटा, पबजी खेलते हो ना, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, ये रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगा, 3 बार करा चुका हूं पुराने जमाने में, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, रोजनमुंड रिडक्शन भी करवा चुका हूं, लिंडलार कैटलिस्ट वाला याद है ना आपको, ये भी कर लेना, बर्च रिडक्शन भी करवा चुका हूं जिसमें ट्रांस एल्कीन बनती थी, लिमिटेड आपके पास एल्काइन से एल्कीन बनाने की प्रोसेस थी, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे देखो भाई, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये IIT JEE में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आती है ये रिएक्शन, तो जरा देखो, नोट पॉइंट समझ लो, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनता है, बस क्या बनाओगे, पहचान क्या है रिएजेंट की, HgSO4 H2SO4 का मिक्सचर लेंगे, या फिर Hg+ ion / H+ ion लिखा होगा, जिसका मतलब क्या है कि Hg2+HgSO4 से आया होगा और H+H2SO4 से आया होगा, बस, या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा, क्या करोगे, क्या करोगे नालायक हो, देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो आपने वाटर लिखा, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, HgSO4/H2SO4, कुछ नहीं करना है, इसका एक पॉजिटिव H+, एक OH-, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, देखो इंग्लिश मेरी कितनी खतरनाक है, ठीक है, तो OH जाएगा बीच में, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3C, यहां पर क्या गया OH, इधर क्या जाएगा, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड इधर CH2, राइट, अभी इसके अंदर एक और डबल बॉन्ड है, एक और डबल बॉन्ड है, फिर से वाटर जुटेगा, तो H+ और OH-, तो OH- फिर से बीच में जाएगा, तो CH3COH और इधर CH3, और मैं आपको बताऊं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप नहीं लगते, दो OH ग्रुप नहीं लगते, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या काम करोगे, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना और यहां पर क्या बना दोगे, कीटोन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब हम हाइड्रेशन मतलब एल्काइन से ये बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, तो आप मुझे बस इतना बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए, करेक्ट आंसर ये चैट बॉक्स में, जब मैं एल्काइन से ये कीटोन बना रहा था तो कितने वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए, आंसर जल्दी से, जल्दी से, टू नहीं कहो, सुनो, मैंने यहां पर पहले एक मॉलिक्यूल जोड़ा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ा, लेकिन एक निकाल भी दिया ना, यहां से एक मॉलिक्यूल निकाला, टू ऐड करके एक माइनस करने का मतलब कितना हुआ, वन। जिन बच्चों का आंसर टू है वो गलत है, वन याद रख लेना बस, अब सही है। आगे बढ़ते हैं भाई,
रिएक्शन देखो क्या हुआ यहां पर। भाई आप क्या बनाओगे, इधर कीटोन बन जाएगा डायरेक्ट, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप जब दो एच जोड़ोगे तो कीटोन बन जाएगा, तो हो जाएगा सी एस थ्री सी, इधर सी एस थ्री एच, देन इधर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर सी एस थ्री। फिर हमारे पास क्या आएगा, सी टू एच फाइव एम जी बी आर, आर एम जी एक्स की रिएक्शन कराओगे तो यहां पर ये क्या होगा, सी टू एच फाइव माइनस, इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, वाटर से एच प्लस जाएगा तो यहां पर एल्कोहल बन जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा जी हमारे पास, सी एस थ्री सी एस थ्री, इधर एच सी ओ एच, एंड देन इधर आएगा हमारे पास सी एस थ्री, नीचे होगा सी एच टू और सी एस थ्री। देन आपने कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रेसो फोर लेकर गर्म भी किया हुआ है, तो ओ एच आप यहां से हटाओगे, ठीक है भाई, एच इधर से चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी, इधर सी एस थ्री इधर सी एच टू इधर सी एच थ्री। एबीसीडी में से करेक्ट आंसर पहचानिए बेटा, एबीसीडी में से करेक्ट आंसर पहचानिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर भालू, बी फॉर मंदर, बी फॉर भगोड़ा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बल्लू, बी फॉर बिट्टू, बी आंसर होगा बेटा जी, बी 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 बी। डिनर ब्रेक भी देंगे, टेंशन ना लो यार, आगे बढ़ो भाई। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर आयरन या क्वार्ट, अगर कहीं भी लिखा होगा तीन एल्काइन के मोलिक्यूल होंगे, बेंजाइन बना, ये क्या हो गया, ये बेंजीन बना लेना बेटा, ये रिएक्शन आती है एग्जाम में सिक्वेंशियल रिएक्शन में, फिर इसकी फर्दर रिएक्शन करी जाती है। तो ऐसा होता है कि मान लो ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपस में ऐसे कंबाइन होते जाते हैं, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाला बॉन्ड टूटता जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्या लेंगे, या तो यहां पर कॉपर लिखा हो, आयरन लिखा हो, या फिर क्वार्ट्ज लिखा हो, वो भी क्या हॉट, रेड हॉट ट्यूब, या फिर इनकी जगह पर लिखा हो रेड हॉट ट्यूब, ठीक है, ये सारी चीजें आप प्लीज समझना। जब बेंजीन आई गई है तो बेंजीन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेंजीन भी तो एक हाइड्रोकार्बन ही है ना, क्या होगी भाई रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन जनरली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात आपको पता होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो स्टेप में होती है, पहला स्टेप क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपके पास ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, और फिर ये एच जब यहां से निकलेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, यहां पर बेंजीन रिंग फिर से बन जाएगी, मतलब एरोमेटाइजेशन फिर से हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल मेंटेन रहेगा। आपने क्या काम किया, ई पॉजिटिव को लगाया, एच पॉजिटिव को हटाया, एच पॉजिटिव भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए करता है क्योंकि बेंजीन खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिस वजह से। और जो पहला स्टेप है प्लीज याद रख लेना, अब एंड आ रहा है बस, प्लीज याद रख लेना, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है। पहला स्टेप स्लो है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब जरा देखो आगे, अब जरा देखो आगे, क्वेश्चन यह है, इसने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन इलेक्ट्रो, ये तीन चीज है जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना चाहती है। इलेक्ट्रोफाइल मान लो सेम था, आईटी 2019 में क्वेश्चन था, तो हम क्या देखेंगे कि जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगी ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगी ना इलेक्ट्रोफाइल को, यानी जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगी वो बेटर रिएक्शन करेगी। जरा देखो, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रही, इलेक्ट्रॉन खींच रही है, CH3 प्लस H हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, ये कीटोनिक ग्रुप है। आपको मैंने बताया था यदि कीटो की एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ की एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो, कार्बोनिल क्या होता है सी डबल बॉन्ड हो, तो वो माइनस एम इफेक्ट लगाता है, यह तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर है, सेकंड के पास, सेकंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे तेज रिएक्शन को करेगा बीच वाला, बीच वाला को देखो कहां पर है सबसे हाईएस्ट में, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन बी कॉम्पिटिशन से बाहर। अब यह माइनस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यह माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रही है, आपको पता है कि माइनस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा खींचेगा तो सीधी सी बात है ये सबसे वीकेस्ट होगा। तो थर्ड वीकेस्ट करेक्ट आंसर विल बी ए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हाँ या ना का जवाब दीजिए बेटा चैट बॉक्स में।
आगे बढ़ते हैं भाई, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में बताता हूं, बेंजीन दे रखी होगी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, या कई जगह पर फ्यूमिंग HNO3 भी लिखा रहेगा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार वो पूछता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो देखो ये HNO3 का स्ट्रक्चर, H2SO4 से H+ आएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या NO2 पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, NO2 पॉजिटिव, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और एक बार मैंने बेंजीन रिंग के तीनों कार्बन, छह के छह कार्बन पे छह हाइड्रोजन लगे हुए थे, इधर ड्यूटेरियम इधर ट्रिटियम, मैंने कहा इस रिएक्शन का रेट R1 है, R2 है, R3 है, हर जगह पर एच पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, टी पॉजिटिव हटेगा तो लगेगा तो NO2 पॉजिटिव ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा तो आपके पास क्या यही स्पीसीज नाइट्रोबेंजीन। लेकिन मेरा क्वेश्चन है R1, R2, R3 में से रेट का ऑर्डर बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में ऑर्डर बताइए जल्दी से बताइए बेटा चैट बॉक्स में, टाइम बहुत कम है, ठीक है। R1, R2, R3 जल्दी से बेटा चैट बॉक्स बताइए बेटा, 213 ओके, मिल्खा सिंह वाली फील आ रही है, इतनी तेज टीवी, ओके कोई बात नहीं, R3 ज्यादा है, अबे गधे नालायक, 1 2 3 R1 ज्यादा है R2 से, CBA 1 2 3 1 2 3, अबे गधे रुक यार, तुम ना वही वाले हो, देखो इधर R1 बराबर है R2 के, R2 बराबर है R3 के, सबके क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, क्यों आता है बताता हूं कैसे, रेट कहां गया भाई, रेट पहले स्टेप पर डिपेंड करता है, दूसरे पे थोड़ा ही करेगा, ये तो फास्ट स्टेप है ना, फास्ट स्टेप पे करेगा, स्लो स्टेप है बेटा जी, फास्ट स्टेप पे करेगा क्योंकि स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक्चुअली में RDS है, अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर देखो तीनों केस में रिएजेंट सेम है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव तो सेम है ना, H+ अलग है, D+ अलग है, T+ है, तो होने दो यार, उसमें थोड़ा ना रेट डिपेंड करेगा, R1 बराबर R2 बराबर R3 समझ में आने जाना चाहिए अब ये, क्योंकि डी प्रोटोनेशन वाला पार्ट या H+ का, D+ का, T+ का निकलने वाला पार्ट रेट डिटरमाइनिंग नहीं करता। डन डन डन, आगे बढ़ो, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, देखो बेटा बेंजीन इनके साथ शादी करना चाहती है, आयरन शादी करवाने वाला, लेकिन अंधेरे में करवाएगा, डार्क में, ठीक है। तो अगर आयरन हुआ तो डार्क में, या फिर FeX3 एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकते हैं। एक बात तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे या तो होंगे Cl पॉजिटिव या होंगे Br पॉजिटिव, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी गैस लेते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, H+ हटा देना है, यहां पर जोड़ देना है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा या फिर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा अब लिखने में, ये समझ लो कि अगर तीन अलग अलग आपके पास आइसोटोपिक बेंजीन है, एक में हाइड्रोजन है, एक में ड्यूटेरियम, एक में ट्राइटियम है, तो मुझे बताओ ये जो रेट है ना, ये एच वाले का है, ये जो रेट है ये डी वाले का है, ये वाले टी वाले का है, जल्दी से बताओ बेटा तीनों रेट में क्या होगा, इक्वल होंगे या ग्रेटर और स्मॉलर होंगे, जल्दी बोलो यार, बराबर है अलग अलग, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट बची है बेटा, 5 मिनट, जल्दी से, नेक्स्ट क्लास भी है बेटा पंकज सर की, उसको भी छोड़ना मत, अच्छे से लेना। अरे गधो बराबर है यार, क्योंकि वो RDS का पार्ट नहीं है, सेम है, बहुत बढ़िया सीख चुके हो तुम। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होंगी, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, प्लीज समझना, एनहाइड्रस CaCl3 जो है क्लोरीन बाबा को लेकर जाएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा। ध्यान रखना है कि जब हम एसाइलेशन करते हैं तो नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस, CO पॉजिटिव इस पे लग जाएगा, फाइनली क्या बना हमारे पास, बेंजीन रिंग, और इधर C डबल बॉन्ड CH3 एसिटोफिनोल बन गया। आगे देखो भाई, यहां पर इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी, AlCl3Cl को लेके जाएगा कार्बोकैटायन, यहां पर बनेगा, ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, तो यहां पर बना 6 मेंबर की रिंग, टिंग 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 टिंग, ठीक है, ये बन जाएगा भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यहां पर भी अगर मेरे पास RH RD और RT हो तो बेटा जी वो भी बराबर होंगे,
क्योंकि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सभी में सेम होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सभी में सेम होगा, निकलना H प्लस का, D प्लस का, T प्लस का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यार, जल्दी से देखो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, रिअरेंजमेंट कर लेना अगर होगी तो। यहां पर एलसीएल थ्री इसका लू बाबा को लेके जाएगा, जिस बुक में दे रखा है गलत दे रखा है, ठीक है। जब आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो अपना माइनस वन ले लेना। CH3 CH2 ये कार्बोकैटायन है, कोई रीअरेंजमेंट होने का कोई पार्ट है नहीं, तो सीधा बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। तो यहां पर CH2 इथाइल बेंजीन बन जाएगा। आगे देखो, यहां पर अगर आपके पास ये दे रखा है भाई बेंजीन है, आधे बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ना यहां पर, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया क्वेश्चन है, वो क्या सकते हैं कि भाई सीएल बाबा को यहां पर लेके चले जाओ, CH3 CH2 और CH2 ये कार्बोकैटायन, वो इसको लगा देते हैं डायरेक्ट। लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये किसमें बनेगा, CH3 CH और CH3 पॉजिटिव, तो इसको जब आप इस पे कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये बेटा, ये बन जाएगा टिंग टिंग टिंग, ऊपर CH इधर CH3 और इधर CH3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बोलो बेटा जल्दी से बोलो यार, पानी वानी बाद में पियेंगे, बस अभी टाइम बहुत कम बचा है, 3 मिनट बची हुए, जल्दी से बोलो यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो का जवाब दो। यहां रीअरेंजमेंट करके लगाया मैंने, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में। आप देखो लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, स्पेस दे लेना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझना प्लीज। इन दोनों की शादी होनी थी, ये बिचौलिया था, ठीक है, इन दोनों की शादी होनी थी, ये बिचौलिया था, लेकिन हुआ क्या, इसके पास लोन पेयर देखकर ये जो बिचौलिया है ना, ये इसके साथ खुद शादी कर बैठा, ये बेचारा रनवा रह गया, ठीक है, इसकी शादी नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे एनिलीन हो या फिर फिनोल हो, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैटलिस्ट उनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, तो ना तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये देगा और ना ये देगा। अब NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो भी माइनस एम इफेक्ट के द्वारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा बेटा। मतलब भी समझो, मैं कह रहा हूं एक बंदे के भाई तू शादी कर ले जाके यार, और वो खत्म हो चुका है, वो कह रहा नहीं हिम्मत ही नहीं है भाई शादी करने की, मैं बर्बाद हो चुका हूं, लूट चुका हूं, क्यों, क्योंकि NO2 पॉजिटिव जो है, NO जो है, ये इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचता है कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं है, तो इसकी न्यूक्लियर फ्लूइड खत्म कर देता है, इस वजह से नाइट्रो बेंजीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन बना के, कौन से आप प्रोडक्ट जो कौन सा रिएक्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है भाई, आ गया हो नेक्स्ट। हाँ मैं ये नहीं बताऊंगा, देखो एक रेड हॉट कॉपर ट्यूब में लिया सीरियसली, देखो ये बेंजीन, अरे कहा हो गया यार ये नालायक काम, देखो रेड हॉट ट्यूब सबसे छोटा पूछा हुआ है, सबसे छोटा का मतलब ये क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब रेड हॉट ट्यूब लेंगे तो B क्या बन जाएगा, बेंजीन, यहां पर जब C लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, टिंग टिंग टिंग, और ये बन जाएगा CH3। आंसर कितना आएगा कि कितने कार्बन यहां पर, बता अपने आप देख लेना भाई क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं नहीं बताऊंगा, 2019 में आया क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, HCl है, पहले कार्बोकैटायन बना लेना, स्टेबल कार्बोकैटायन, फिर जब कार्बोकैटायन बनेगा ना तो टिंग टिंग जोड़ देना। पंकज सर वेट कर रहे होंगे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, देखो प्लीज ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहता था आपको, अगर आपके पास बेंजीन है, ओलियम दे रखा है, H2S2O7 ओलियम कहते हैं, और ओलियम जो है वो H2SO4 और SO3 का मिक्सर होता है, किसका मिक्सर होगा, H2SO4 और SO3 का मिक्सर होगा बेटा, 1 मिनट बचा है बस। इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सल्फोनेशन है ना, सल्फोनेशन, अच्छा अगर सॉरी अगर 10:30 हो गई है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद पंकज सर, जय हो। देखो इधर SO3 इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाता है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, याद करना है SO3। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं वहां पर ऑप्शन दे रखा होता है SO3H+, आधे बच्चे इसको टिक करके आते हैं, 70-80% बच्चे इसी को टिक करके आते हैं, उनको लगता है कि भाई बेंजीन में हमने ये जोड़ा, बेंजीन में हमने ये जोड़ा, इसका मतलब यही इलेक्ट्रोफाइल होता होगा, क्योंकि पहले की रिएक्शन में तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन समझ जाना बेटा, बेटा समझ जाना जो मैं कह रहा हूं, कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पूछूंगा तो आप मुझे SO3 बोल देना, तो यही टिक करके आना। फिर दूसरा क्या है, अगर बेंजीन ऐसे दे रखा होगा, इनके अलग अलग रेट दे रखे होंगे, तो प्लीज रेट इस बार R1 का ज्यादा होगा, R2 का ज्यादा होगा, R3 का कम होगा, प्लीज समझना ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ गधे बच्चे बिल्कुल नहीं पूछ रहे डाउट कि सर ऐसा क्यों, तो जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में पूछो क्यों, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर होगा क्या, कि जो ओलियम सैंपल वाली रिएक्शन है ना, ये बेसिकली रिवर्सिबल होती है,
यानी पहला स्टेप दूसरे पर डिपेंड करेगा, दूसरा स्टेप तीसरे पर, मतलब इस टाइप से ये डिपेंडेबल है, सारे स्टेप एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो रेट डिटरमाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। जो एलिमिनेशन ऑफ एच प्लस डी प्लस टी प्लस है वो भी कहीं ना कहीं बेटा जी रेट को डिफाइन करेगा। अब हम लोग एक बात जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स के अंदर कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट 4 कांस्टेंट बाय मास, आया ना, जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा, समझ लो, जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा। और प्लैंक भाभा ने एक और बात बोली थी इक्वल टू एच न्यू कि सर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो यार, आया ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर कम होगी तो जल्दी से वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो हम कहेंगे भाई जो हाइड्रोजन वाला केस होगा ना, हाइड्रोजन का मास कम है, प्लीज समझना, हाइड्रोजन का मास कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, रिएक्शन पूरी फास्ट चलेगी, ठीक है भाई। तो आर वन ज्यादा हो जाएगा आर टू से आर थ्री से। सल्फोनेशन में क्या याद रखना है, प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफाइल कौन है और रेट का ऑर्डर। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, अपना ध्यान रखेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।